ठीक है, तो मीडियन राइटिंग देखो, क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें क्या क्या फंक्शंस लिखने हैं। एक ऐसी क्लास लिखनी है मीडियन प्रायोरिटी क्यू जो इन फंक्शनैलिटीज को मीट करती हो। कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज? ऐड ऐड करें तो उसमें डेटा ऐड हो जाए, रिमूव करें तो क्या रिमूव हो? शुड रिमूव एंड रिटर्न मीडियन वैल्यू। ठीक है, मीडियन वैल्यू रिमूव होनी चाहिए, वही वैल्यू रिटर्न होगी। और अगर एलिमेंट से अवेलेबल नहीं है रिमूव करने के लिए तो अंडरफ्लो प्रिंट कराओ एंड रिटर्न -1। पीक के लिए भी सेम चीज, पीक मीडियन प्रायोरिटी क्यू की, अगर मैं पीक मंगवाता हूं तो क्या आना चाहिए? मीडियन वैल्यू, मीडियन वैल्यू रिटर्न करना चाहिए इसे, अदरवाइज अंडरफ्लो प्रिंट करा दो। साइज है तो सिंपली मेरे को साइज ही प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मीडियन होता क्या है? अगर मैं बात करूं, ये कुछ एलिमेंट्स हैं 5, 16, 3, 1, 19, 25, 2। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इनका मीडियन निकालना है। मीडियन बेसिकली इस एरे को सॉर्ट कर दो, 1, 2, 3, 5, 16, 19, 25। ठीक है, इन एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया, और अब मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू आई थिंक 5 होगी। दिस विल बी कंसिडर्ड एज मीडियन। ठीक है, तो एक सॉर्टेड सीक्वेंस में मिडल वैल्यू मीडियन देता है। ठीक है, तो ये इसका मीडियन है। तो हमें किसी भी टाइम पे कुछ एलिमेंट्स को ऐड करने को बोला जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि भाई मीडियन प्रायोरिटी क्यू, मीडियन प्रायोरिटी क्यू की पीक दे दो, बताओ भाई मीडियन वैल्यू क्या है। फिर बोला जाएगा कि भाई अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, है ना, इस वैल्यू को रिमूव कर दिया, एक रिमूवल और लगा दिया, एक रिमूवल और लगा दिया, अब बताओ अब पीक क्या है, अब मीडियन वैल्यू क्या बन चुकी है ना। जैसे इस केस में इस टाइम पे मैंने पूछा 5 आ गया, अब बोलता हूँ इसके बाद मैं बोल देता हूँ कि एक रिमूव लगा दो, एक रिमूव, ये 5 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पे 3 और 16, 3 और 16 ये दोनों मीडियन वैल्यू के वैलिड कैंडिडेट्स हैं, 3 एंड 16, है ना, क्योंकि मिडिल वैल्यू दोनों ही है, 3 भी हो सकती है 16 भी हो सकता है। छोटे वाले को मान लेते हैं, एक बार दोबारा रिमूव लगवाया, 3 रिमूव हो गया। मान लो अब कोई हमसे पूछता मीडियन प्रायोरिटी क्यू की पीक दे दो, तो आंसर आना चाहिए था अब 16, 16 इज द न्यू मीडियन। ठीक है, तो ये क्लास हमें इंप्लीमेंट करनी है। क्या क्या फंक्शन? 4 ही फंक्शन लिखने हैं, ऐड वैल्यू को ऐड करवा दे, मेन तो ये दोनों है, रिमूव एंड पीक। ठीक है, रिमूव एंड पीक, मीडियन वैल्यू को रिमूव करेंगे, मीडियन वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। फोर्थ फंक्शन है सर्व्स, राइट। तो जब भी मेरे को कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे ना, मैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, इन जनरल अप्रोच की बात करता हूँ, फिर प्रायोरिटी क्यू यूज करें। देखो मान लो मेरे को कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं 1, 16, 7, 12, 5, 3, 19, 25, 1। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक और ले लेते हैं, लेट्स से 6। ठीक है, तो देखो मैं इन एलिमेंट्स को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, पार्ट 1 छोटे एलिमेंट्स को रखे, पार्ट 2 बड़े एलिमेंट्स को रखे। ठीक है, बस ऐसे डिवाइड कर रहा हूं, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ठीक है भाई, इसमें नियरली हाफ एलिमेंट्स, नियरली आधे एलिमेंट्स यहां रहेंगे और नियरली आधे एलिमेंट्स यहां पर रहेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे सारे छोटे एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे 7, 5, 3, 1, 6, ये पांच एलिमेंट यहाँ रख दिए, 16, 12, 19, 25, ठीक है, नियरली आधे एलिमेंट्स यहाँ आ गए और नियरली आधे एलिमेंट्स यहाँ पे आ चुके, है ना, टोटल 9 एलिमेंट्स थे, एक जगह 5, एक जगह 4, ठीक है। अगर मैं ऐसी सेपरेशन कर देता हूं तो अब मेरे लिए मीडियन का वैलिड कैंडिडेट कौन बनेगा, तो मीडियन वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं अगर मैंने ये सेपरेशन कर दी तो, इसके बाद सेपरेशन के बाद देखो जो ये छोटे एलिमेंट्स है ना, अगर मैं इसको सॉर्ट भी कर रहा था तो 1, 3, 5, 6, 7, 12, 16, 19, 25 तो भी कुछ ऐसे सेपरेशन हो रहा था कि छोटे एलिमेंट्स एक तरफ आ गए, बड़े एलिमेंट्स एक तरफ आ गए, ठीक है। बट मीडियम के लिए जो मिडल वैल्यू आएगी वो यहां कहीं से आती है, मतलब जो छोटे एलिमेंट्स है उसमें सबसे बड़ा और बड़ों में सबसे छोटा, ठीक है, तो इन सब का मैक्सिमम और इन सब का मिनिमम मेरे लिए वैलिड कैंडिडेट होंगे फॉर द मीडियन, है ना। ये यहां पे देख लो, छोटों में सबसे बड़ा और बड़ों में सबसे छोटा, ठीक है, ऐसा ही तो होता है, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली यूज करने वाला हूं प्रायोरिटी क्यू, छोटों में सबसे बड़ा चाहिए, छोटों में सबसे बड़ा चाहिए, ठीक है। तो ये वाली प्रायोरिटी क्यू मैं किस टाइप की बनाऊंगा, मिन प्रायोरिटी क्यू या मैक्स प्रायोरिटी क्यू, लेफ्ट वाली मैक्स प्रायोरिटी क्यू, और बड़ों में सबसे छोटा चाहिए तो ये राइट वाली प्रायोरिटी क्यू जो डिफॉल्ट होती है मेन प्रायोरिटी, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल एक बार यही रख लेता हूं मैं, फिर इसमें कुछ रिमूवल एडिशन करना होगा वो हम कर ले, तो मैंने दो प्रायोरिटी क्यों ली, ऐसे बना देता हूं, पहली प्रायोरिटी क्यू एंड दूसरी प्रायोरिटी, ये है लेफ्ट प्रायोरिटी क्यू, छोटो छोटो का बड़ा चीज, छोटो में सबसे बड़ा, छोटो में सबसे बड़ा, तो ये मैक्स प्रायोरिटी क्यू, यहां पे इसका मैक्स रखा गया होगा। ये है राइट प्रायोरिटी क्यू, मिनिमम एलिमेंट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देती है क्योंकि बड़ों में सबसे छोटा चीज, ठीक है। तो अब जरा कोड फिगर आउट करना, कोड फिगर आउट करिएगा, 16 आया तो मैं क्या देखता हूं भाई, लेफ्ट प्रायोरिटी क्यों खाली है, ठीक है, या फिर हाँ चलो ठीक है ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं, 16 आया तो 16 को मैंने लेफ्ट प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया, एक बार के लिए 16 को यहां पे रख दिया और मैक्सिमम एलिमेंट इसका 16 आ चुका है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 7 आता है, इनफैक्ट राइट की पीक से कंपेयर करूंगा ना, चलो ठीक है थोड़ा सा कोड फिगर आउट कर लेंगे। हाँ 7 आया तो मैंने ना लेफ्ट की पीक से इसको कंपेयर करवाया, लेफ्ट की पीक से कंपेयर करवाया, 16 और 7 कंपेयर होंगे, 7 इससे छोटा है, 7 इससे छोटा है, मतलब अगर
अगला एलिमेंट इससे बड़ा होता तो राइट में जाएगा, अगर छोटा है ना तो उसको यहीं रख दो, इसी प्रायोरिटी क्यू में रख दो। राइट, मैं क्या करता हूँ लेफ्ट प्रायोरिटी क्यू के पीक से कंपैरिजन करवा देता हूँ करंट एलिमेंट। अगर एलिमेंट छोटा है तो भाई लेफ्ट प्रायोरिटी क्यू में आ जा, एलिमेंट बड़ा है तो राइट प्रायोरिटी क्यू में चला जा। एलिमेंट छोटा था लेफ्ट प्रायोरिटी क्यू में आ गया, और इसका मैक्स अब 16 ही है। पर अभी मैंने देखा कि यार अभी तक दो ही बंदे आए, अगर दो ही बंदे आते तो एक बंदा यहाँ पे होना चाहिए था लेफ्ट प्रायोरिटी क्यू में और एक बंदा होना चाहिए था राइट प्रायोरिटी क्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के साइज में दो का डिफरेंस आ चुका है, मतलब एक का डिफरेंस तो अलाउड होता है। ठीक है, दोनों का साइज नियरली सेम रखना है ना, तो एक का डिफरेंस तो अलाउड होगा पर दो का डिफरेंस अलाउड नहीं होगा। भाई एक से ज्यादा का डिफरेंस अलाउड नहीं होगा, तो मैं यहां से क्या करूंगा, लेफ्ट का मैक्सिमम यहां से करेंगे रिमूव और उसको राइट प्रायोरिटी क्यू में ऐड करवा दूंगा। ठीक है, अभी अभी मैंने देखा कि भाई लेफ्ट प्रायोरिटी क्यू का साइज राइट प्रायोरिटी क्यू से ज्यादा है पर दोनों का डिफरेंस एक से भी ज्यादा हो चुका है, दोनों में नियरली सेम एलिमेंट्स नहीं रहते, तो जहां पे ज्यादा एलिमेंट्स है वहां से रिमूव करो, जहां पे कम एलिमेंट्स है वहां पे ऐड करवा दो। ठीक है, पूरा करते हैं इसको, समझ में आ जाएगा। 12 आया, 7 से कंपेयर हुआ, तो 7 से कंपेयर होने के बाद 12 7 से बड़ा है तो राइट प्रायोरिटी में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट 5, 7 से छोटा है तो लेफ्ट में ऐड हो जाएगा। 3, 7 से छोटा है तो लेफ्ट में ऐड हो जाएगा। 3, नेक्स्ट 19, 7 से बड़ा है तो राइट में ऐड हो जाएगा। 25, 7 से बड़ा है तो राइट में ऐड हो जाएगा। अभी भी दोनों का डिफरेंस एक से बड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, अब लेट से 1 के बजाय मैं ले लेता हूं 11। अगर 11 होता तो क्या करते, 7 से बड़ा है उसको भी राइट साइड ऐड करवा देते। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं अब तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट आए, तो 4 यहां पे होने चाहिए थे और 4 इसमें होने चाहिए थे। ठीक है, पर सिचुएशन क्या है, यहां पे 3 है यहां पे 5 है, भाई 4 4 बनाओ इनको। राइट में सारे बड़े बंदे रहते हैं, इन बड़ों में जो सबसे छोटा है उसको रिमूव कर दो और उसको लेफ्ट की तरफ ऐड करवा दो। ठीक है, तो 11 यहां आ गया और 12 यहां आ गया। अब अगर इस टाइम पे कोई मेरे से पूछता, इस टाइम पे माई प्रायोरिटी क्यू डॉट पीक, ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए था, छोटों में सबसे बड़ा 11, बड़ों में सबसे छोटा 12, ये दोनों वैलिड कैंडिडेट हैं आंसर के लिए। पर आंसर ना मैं सोच समझ के दूंगा, अगर दोनों का साइज इक्वल है तो मतलब n बाय 2 एलिमेंट्स यहां पे, n बाय 2 एलिमेंट्स यहां पे, एग्जैक्टली n बाय 2। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि 3 5 7 11 12 16 19 25, तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, तो छोटे वाले को हम बोल देते हैं कि भाई आपको ये आंसर रिटर्न करना है, छोटे वाले को प्रायोरिटी दे दो। तो अगर दोनों का साइज इक्वल है तो लेफ्ट प्रायोरिटी क्यू का पीक, यही हमारा आंसर होगा। इसके तुरंत बाद कोई बोलता है कि भाई रिमूव कर दो, रिमूव करें तो ये 11 ही रिमूव होना चाहिए।
अभी भी नियरली एन बाई टू एलिमेंट्स यहाँ पे, एन बाई टू एलिमेंट्स यहाँ पे, बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक और रिमूवल लगाए, माय प्रायोरिटी क्यू डॉट रिमूव। अब बताओ यहां पे क्या होगा, कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा? माय प्रायोरिटी क्यू डॉट रिमूव, मीडियन वैल्यू रिमूव होगी। तो यहां पे देखा 3 5 7, यहां पे तीन एलिमेंट है, यहां पे चार एलिमेंट है, तो राइट वाली प्रायोरिटी को साइज बड़ा है ना, ऐसे 3 5 7 12 16 19 25, ऑफकोर्स 12 ही होगा आंसर। तो किसी भी एक का साइज अगर बड़ा होता है तो आंसर वहीं से आता है, 12 रिमूव कर दो। ठीक है, और अब इनमें से सबसे छोटा 16 यहां पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट रिमूवल लगाते, एक रिमूवल और, माय प्रायोरिटी क्यू डॉट रिमूव। दोबारा देखेंगे कि भाई दोनों का साइज इक्वल है, 3 5 7 16 19 25, दोनों का साइज इक्वल है, तो 7 और 16 में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको क्या करना है, छोटे वाले को रिटर्न करवाना है, छोटे वाले को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो इसको प्रिंट करा देंगे, 7 को कर दो रिमूव। अगली बार रिमूवल 16 बाहर आ जाएगा, राइट, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, साइज तो आपको बताइए, साइज क्या होगा, लेफ्ट प्रायोरिटी क्यू का साइज, लेफ्ट प्रायोरिटी क्यू का साइज प्लस राइट प्रायोरिटी क्यू का साइज। ये फंक्शन तो काफी आसान है, बाकी सारे फंक्शंस आपको सोचने हैं कैसे लिखोगे। चलिए ओवर टू, लेफ्ट और राइट ही नाम है इनका, चलो ठीक है, करिए ट्राई।
ठीक है, अलाउ करते हैं अब इसको डिस्कस। तो ये फंक्शन लिख लेते हैं हमें एड रिमूव पीक एंड साइज। ठीक है, सबसे पहले सबसे आसान फंक्शन लिख देते हैं साइज, रिटर्न लेफ्ट का साइज प्लस राइट का साइज, दोनों का साइज ऐड करके रिटर्न करा दो। अब आते हैं एड के ऊपर, अगर आपको कोई भी वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, तो मैं कुछ केसेस लिख देता हूं कि अगर लेफ्ट का साइज जीरो है ना, तो उसको लेफ्ट प्रायोरिटी क्यू में ही ऐड कर दो। ठीक है, लेफ्ट डॉट ऐड दिस एलिमेंट, अगर लेफ्ट का साइज जीरो नहीं है तो मैं कंपेयर करूंगा, अगर करंट वैल्यू छोटी होती है लेफ्ट के पीक से तो क्या करें, अदरवाइज क्या करें। अगर वैल्यू लेफ्ट के पीक से छोटी है तो उसको लेफ्ट में ऐड करो, अदरवाइज उसको राइट में ऐड करा दो। ठीक है, तो सिर्फ इतने से ही काम पूरा नहीं होता, वो साइज भी तो देखना पड़ेगा, है ना, साइज भी देखना पड़ेगा कि दोनों का साइज नियरली सेम है या नहीं। ठीक है, तो मैं साइज का डिफरेंस निकालता हूं, एब्सोल्यूट डिफरेंस, मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ लेफ्ट डॉट साइज माइनस राइट डॉट साइज। अगर ये डिफरेंस वन से ज्यादा आता है, ग्रेटर देन वन आता है, तो मुझे देखना पड़ेगा क्या लेफ्ट का साइज ज्यादा है। अगर लेफ्ट का साइज ज्यादा है तो लेफ्ट से रिमूव करके राइट में ऐड कर दो। लेफ्ट से रिमूव करके राइट में ऐड कर दो, अदरवाइज राइट से रिमूव करके, भाई राइट का साइज ज्यादा है तो राइट से रिमूव करके लेफ्ट में ऐड करवा दो। ठीक है, अगर डिफरेंस ग्रेटर देन वन है तो बेसिकली यहां पे मैंने करा इसको रिसाइज। अच्छा, रिमूव और पीक, अगर लेफ्ट का साइज प्लस राइट का साइज जीरो आ जाता है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, अंडरस्कोर। और रिटर्न कर दो माइनस का, है ना, ये काम तो दोनों जगह ही करना है। रिमूव में अगर दोनों का साइज इक्वल है, अगर लेफ्ट का साइज इक्वल होता है राइट के साइज के, तो रिमूव करो लेफ्ट से। ठीक है, दोनों का साइज इक्वल है या लेफ्ट का साइज बड़ा है तो ग्रेटर देन इक्वल्स। ठीक है, लेफ्ट का साइज बड़ा या इक्वल है राइट के साइज से तो लेफ्ट की वैल्यू, नहीं तो राइट का पीक।
राइट से रिमूव, राइट डॉट रिमूव, सेम चीज यहां पे रिमूव नहीं करना, बस यहां पे वो वैल्यू रिटर्न करवाना, ठीक ठीक है, हो गया आई थिंक। रिमूव और पीक तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, थोड़ा सा जो लॉजिक हमें सोचना था वो ऐड के बारे में सोचना। यार चला के देखते हैं एक बार वर्किंग फाइन, सबमिट। ओके वी टेस्ट केस कर रहे हैं, यहां कहीं दिक्कत है क्या ऐड में? लेफ्ट का साइज जीरो, वो लेफ्ट में ऐड करवा दिया। देखते हैं भाई कहां दिक्कत है। कर लेते हैं इसको कॉपी, टेन ट्वेंटी रिमूव, 10 ऐड करा, 20 ऐड करा, रिमूव कर दिया। अच्छा लेफ्ट का साइज जीरो और राइट में कोई एलिमेंट पड़ा हो, मेक सेंस। ठीक है तो थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट का साइज जीरो और राइट में कोई एलिमेंट पड़ा हो, ठीक है केसेस बढ़ा देते हैं थोड़े से। लेफ्ट का साइज जीरो एंड राइट का साइज भी जीरो, लेफ्ट भी जीरो राइट भी जीरो, तो लेफ्ट में ऐड कर लो। ठीक है लेफ्ट का साइज जीरो तो लेफ्ट में ऐड हो जाता है ना, ये राइट का साइज ग्रेटर देन जीरो तो कुछ और, अदरवाइज लेफ्ट में ही आ गया, ठीक है। राइट का साइज ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, यही केस फंस रहा था हमारा कि लेफ्ट का साइज जीरो राइट का साइज ग्रेटर देन, तो उसमें राइट के पीक से कंपेयर करवा के ऐड करवा लो, ठीक है। तो अगर वैल्यू कल से लिखना चाहिए क्या, या ऐसे लिख सकते हैं, अगर वैल्यू छोटी होती है राइट ऑफ पीक तो लेफ्ट में ऐड करवा दूं, नहीं तो राइट में ऐड करवा दूं, राइट डॉट एड
स्टूडेंट। साइन करना ही जरूरी होता है क्या? कुछ ना कुछ ठीक है, रिफल से लिख देते हैं, साइन करना जरूरी होता होगा। अगर राइट का साइज ग्रेटर देन जीरो तो राइट में ही ऐड करवा देते हैं, वो अपने आप रिसाइज तो कर ही लेगा। सही बात है, सही बात है भाई। लेफ्ट का साइज जीरो है, राइट का साइज ग्रेटर देन जीरो है, राइट में ऐड करवा दिया, अपने आप रिसाइज कर लेगा यहां से। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। बस एक केस फंस रहा था, वो केस कौन सा था? केस कौन सा था कि लेफ्ट का साइज जीरो, राइट का साइज नॉन जीरो। ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ बंदे आपने ऐड कर दिए, फिर आप रिमूव लगा रहे हो, एक एक बंदा ऐड हुआ था, फिर आपने एक बंदा रिमूव कर दिया, तो लेफ्ट वाला रिमूव हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट का साइज जीरो, राइट का साइज नॉन जीरो, उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, अगला बंदा राइट में ही ऐड करा दूंगा। अब राइट में दो बंदे हो गए, लेफ्ट में जीरो, अपने आप रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा केस था, दो फंस रहा था। ठीक है, लेफ्ट में क्यों नहीं करा सकते? केस सोचो, ऐसा केस हो जाता कि भाई पहले 10 ऐड करा था, राइट में 20 ऐड हो गया था। ठीक है, 10 और 20 ऐसे ऐडेड, उसके बाद रिमूव करा तो लेफ्ट से रिमूवल होगा। ठीक है, और उसके बाद मान लो 30 ऐड करना था, गलती होगी ना, 30 लेफ्ट में ऐड हो जाएगा। लेफ्ट में तो छोटे बंदे रहने चाहिए, राइट में बड़े बंदे रहने चाहिए, लेफ्ट में बड़ा बंदा आ चुका, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया कि भाई 30 आया है, 30 केस में गलती हो सकती थी, ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं, 30 को यहाँ पे ऐड करवा दिया। इसका साइज जीरो, इसका साइज टू, रिसाइज होगा, रिसाइज होगा, बेस उठ के अपने आप लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी कंडीशन लगा दी, राइट का साइज ग्रेटर देन जीरो, राइट में ऐड करा दो, नहीं तो लेफ्ट में ऐड हो। ठीक है, मेरे ख्याल से यार ये दोनों तो आसान ही है। रिमूव के केस में क्या था, साइज जीरो, तो ये प्रिंट करा दो, अदरवाइज दोनों का साइज, लेफ्ट और राइट का साइज इक्वल होता है या लेफ्ट का बड़ा होता है, तो लेफ्ट से जवाब आएगा, नहीं तो राइट से जवाब आएगा। ये पीक में था, एक ही फंक्शन था जो हमें लिखना था, वो फंक्शन था ये, एंड करो करो जल्दी निपटाओ इसको। 44, जल्दी जल्दी स्पीड से, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए।
हाँ यार करता हूँ, देखो रूम ओपन। हेमंत हाँ भैया, अगर इसको हम सेट से करते तो क्या दिक्कत आती? जैसे सेट से सेट में डालते रहे एलिमेंट, उसमें भी सॉलिड ऑर्डर में सेव होते हैं, फिर मिड मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय टू करके मिड लगा लेते हैं। इसमें है सेट या ट्री सेट? ट्री सेट ट्री सेट यूज करते हैं। हाँ ट्री सेट यूज करते हैं तो चल जाता। वहां पर रिमूव में फंसता चाहते हैं ना, रिमूव इसमें रिमूव कितना कॉम्प्लेक्सिटी होती है रिमूव में उसकी, तब भी वन, उसमें भी वन होती है ट्री सेट में नहीं यार, लॉगिन होती है। नहीं ना। हाँ तो मतलब वहां फंस जाता है ना। यहां भी तो लॉगिन अच्छा, रिमूव करने की। प्रायोरिटी में भी लॉगिन होती है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक भैया। इसका ब्रूट फोर्स तरीका क्या होगा करने का सवाल, जैसे कोई पूछे तो सीधा इस पे उतर आए, या फिर कोई ब्रूट फोर्स तरीका भी है? ब्रूट फोर्स ये है कि आप एक एरे लो, एरे को सॉर्ट मार दो और उसमें से मिडिल एलिमेंट उठा के जवाब दे दो। मतलब एरे नहीं, एरे पीस ले लो। हाँ ठीक है, हर बार एन लॉग एन मतलब वो सॉर्ट करके। ठीक अमित हेलो भैया। भैया मैं चाह रहा था कि जैसे हमारे दो ये बने हैं प्रायोरिटी क्यू, एक हमारे मिन का एक मैक्स का, लेफ्ट राइट, तो मैं चाह रहा था कि हमारे लेफ्ट के और राइट में जिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हमेशा लेफ्ट रहे इक्वल और ग्रेटर देन राइट। तो हम सिर्फ रिमूव करें लेफ्ट पे करें, मैं प्रायोरिटी लेफ्ट को हमेशा दे रहा हूँ रिमूव में, कि रिमूव से ही करना है, लेफ्ट से ही करना है। अगर जब इक्वल हो तो लेफ्ट से ही रिमूव करें और राइट से उठा के बाद में एक ऐड कर दे, और फंक्शनलिटी थोड़ी ऐड और रिमूव थोड़ी चेंज हो जाएगी मेरे व्यू में। उस तरीके से कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो। लेफ्ट में हमेशा ज्यादा या इक्वल एलिमेंट्स इतना चाहते हो ना, राइट में ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल बस ये साइज इसको चेंज करना होगा कि अगर राइट का साइज बड़ा हो जाता है लेफ्ट के साइज से, ठीक है, तो तो तुरंत राइट उसको से उधर रख रिसेट। दे हुआ। ओके तो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरे वाले में कम रहेंगे या इसमें कम होंगे? कम रहेंगे आप वाले में, कम रहेंगे। ओके सर। ठीक है, टोटल सबमिशन 21। ठीक है चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट। के लिस्टें गिवन होगी, उनको मर्ज करना है। 2 मिनट क्वेश्चन पढ़ लो, सोच लो इसके अराउंड।
ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें के लिस्टें मिलेंगी और हमें उनको मर्ज करके एक लिस्ट बनाना, ठीक है, के सॉर्टेड लिस्ट मिलेंगी, उनको मर्ज करके फाइनली एक सॉर्टेड लिस्ट तैयार करनी है। ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है ना, मर्ज टू सॉर्टेड एरेज, उसी से सिमिलर होने वाला है। ठीक है, तो लेट्स से कि पहले लिस्ट मिल गया आपको, तो एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट मिलता है ना, यहाँ देख लो एक बार, ये एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट, ठीक है, एरे लिस्टों की लिस्ट, जैसे पहली लिस्ट में ले लेता हूं मैं, 6, 12, 25, 30, नेक्स्ट 3, 5, 8, 20, 24, 4, 16, 20, 25, 30, तो ये 28, ठीक है, 2, 5, ये एक लिस्ट है जिसमें ये एरे लिस्टें रहती है, राइट, तो इनको मर्ज करके एक सॉर्टेड लिस्ट तैयार करनी है हमें। तो एक तरीका क्या हो सकता था कि भाई एक यहाँ पे पॉइंटर रख दो, जैसे मर्ज टू सॉर्टेड एरेज, उसको हम कैसे करते थे, दो पॉइंटर रख लेते थे आई और जे, जो छोटा होता था उसको कंज्यूम करो, उसको आगे बढ़ा दो, जो छोटा है उसको कंज्यूम करो, आगे बढ़ा दो, राइट। तो एक तरीका हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, के पॉइंटर्स रख लें, है ना, के पॉइंटर्स, और के की वैल्यू काफी बड़ी भी हो सकती है, इतने पॉइंटर्स को कैसे संभालोगे, राइट, कंस्ट्रेंट ये बना क्या कुछ, हाँ के की वैल्यू बड़ी हो सकती है, कंस्ट्रेंट तो ऐसे यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, और दूसरा कि एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग के है, ठीक है, तो अगर मैं के पॉइंटर्स रख के करता तो क्या दिक्कत आती, भाई पॉइंटर वन रख लिया, P1, P2, P3, P4, तो इन सबको कंपेयर करोगे, है ना, के एलिमेंट्स को कंपेयर करके आपको पता चलेगा कि ये जो मर्ज होके जो एरे लिस्ट तैयार होगी उसमें पहला एलिमेंट कौन सा आएगा, 6, 3, 4, 2, इनको कंपेयर करो के एलिमेंट्स को, तो एक एलिमेंट का जवाब आ गया, है ना, एक इंडेक्स का, फिर नेक्स्ट उसको आगे बढ़ाओगे, फिर इन सबको तो कंपेयर करोगे, फिर के एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, अगले एलिमेंट का जवाब पता चलेगा, फिर के एलिमेंट्स कंपेयर होंगे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, के एलिमेंट्स कंपेयर होते हैं, अगला एलिमेंट आता है, के एलिमेंट्स मतलब के ऑपरेशन लगते हैं एक इंडेक्स का जवाब बनाने के लिए, यहाँ पे के ऑपरेशन, यहाँ पे के ऑपरेशन, यहाँ पे के ऑपरेशन, तो अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन होते, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन होते तो बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आने वाली थी, एन इंटू के, है ना भाई, एक का जवाब बनाने के लिए आंसर का पहला पार्ट बनाने के लिए के ऑपरेशन, दूसरा पार्ट के ऑपरेशन, तीसरा पार्ट के ऑपरेशन, नेक्स्ट के ऑपरेशन, ऐसे ऐसे एन एलिमेंट्स आएंगे यहां पे, तो हर एक के लिए के ऑपरेशन एन इंटू के, ठीक है, ये तो ब्रूट फोर्स है, इससे कर ही सकते हो ऑफ कोर्स, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्टेड क्या है, एन इंटू के नहीं है, एन लॉग के, एन लॉग के, वही इससे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ब्रूट फोर्स है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आएगी इससे, है ना, पॉइंटर्स तो मेंटेन कर ही सकते थे आप, एक एरे लेके मेंटेन कर लेते, फिर भी जवाब नहीं आएगा, राइट, तो हम क्या करें, इसको करने वाला हूँ प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से, ठीक है, पर प्रायोरिटी क्यू में अगर मैं सिंपली ये एलिमेंट्स रख दू, 6 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, 2 रख दिया, कि भाई मिनिमम बाहर आ जाओ, मिनिमम 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो अब
कौन सा बंदा मुझे इनपुट करना चाहिए, कौन सा बंदा इस प्रायोरिटी क्यू में ऐड करूं, है ना? ऐसे तो नहीं पता लग रहा कौन सा बंदा ऐड करें, राइट? मुझे बेसिकली पता होना चाहिए कि भाई ये जो टू था वो कौन से लिस्ट का कौन सा बंदा था, ये है लिस्ट जीरो, ये है लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री, कौन से लिस्ट का कौन सा बंदा था। अगर मुझे ये पता होता कि वो लिस्ट थ्री का जीरो इंडेक्स वाला बंदा था तो मैं लिस्ट थ्री का फर्स्ट इंडेक्स वाला बंदा ऐड कर देता। ठीक है, तो सिंपल ऐसे चार नंबर यहां पे रख लोगे तो उससे नहीं हो पाएगा, चार इंटीजर रख लिए उससे तो नहीं हो पा रहा। टू रिमूव हो गया, कौन सा बंदा ऐड करूं नहीं पता, राइट? तो अगर आपको उसका लिस्ट इंडेक्स और उस लिस्ट इंडेक्स में डेटा इंडेक्स भी पता होता तो बात बन जाती। डायरेक्टली उठा के और अगला बंदा ऐड कर देते। तो मैं ना पेयर क्लास बनाऊंगा, उसके अंदर तीन चीजें रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पेयर क्लास में तीन चीजें, वैल्यू, लिस्ट इंडेक्स एंड डेटा इंडेक्स। कौन से लिस्ट के कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है ये वैल्यू, ठीक है? ताकि कभी अगर इससे नेक्स्ट बंदा मेरे को ऐड करना हुआ ना, इससे जस्ट अगला बंदा ऐड करना हुआ, तो उसी लिस्ट के डेटा इंडेक्स प्लस वन वाले बंदे को ऐड करूंगा। मेक सेंस? ठीक है, लो तीन चीजें रख ली मैंने पेयर में, तीन चीजें, डेटा, ये डेटा नहीं वैल्यू बोल दो इसको, कुछ भी बोल दो, मतलब वैल्यू, लिस्ट इंडेक्स चाहिए होगा, डेटा इंडेक्स भी चाहिए होगा, कौन से लिस्ट के कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ बंदा था। अब देखना, ये बनाए मैंने प्रायोरिटी क्यू, मेन प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे तो काम कैसे चलता है। हर लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे रखे हुए बंदे को प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दिया। कोड फिगर आउट करिएगा यहां से, सिक्स लिस्ट इंडेक्स जीरो, डेटा इंडेक्स जीरो, थ्री लिस्ट इंडेक्स वन, डेटा इंडेक्स जीरो, फोर लिस्ट इंडेक्स टू, डेटा इंडेक्स जीरो, टू लिस्ट इंडेक्स थ्री, डेटा इंडेक्स जीरो। ठीक है, तो इन सबका मिनिमम, इन सबका मिनिमम वैल्यू के बेसिस पे कंपैरिजन, वैल्यू वैल्यू, तो सिक्स फोर थ्री टू, ठीक है? अब देखना मिनिमम को क्या रिमूव, ठीक है, मिनिमम को रिमूव करेंगे तो ये टू थ्री जीरो ये रिमूव हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, रिमूव कर दिया तो ये टू थ्री जीरो बाहर आ गया। ये वैल्यू है, ये लिस्ट इंडेक्स है, ये डेटा इंडेक्स है। तो मैंने अपना जो एरर लिस्ट, जो मेरा जवाब होना चाहिए उसमें इसकी वैल्यू ऐड कर ली टू, और प्रायोरिटी क्यू में क्या ऐड करूंगा, इस लिस्ट का थर्ड लिस्ट का नेक्स्ट बंदा, थर्ड लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स पे रखा हुआ बंदा, ठीक है, थर्ड लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स पे रखा हुआ बंदा है फाइव, ये ऐड हो जाएगा और अब इनका मिनिमम थ्री बनता है। ठीक है, तो मिनिमम को रिमूव करो, मिनिमम को रिमूव, ये हुआ यहां से रिमूव, थ्री वन जीरो ये आ गया बाहर। ठीक है, एरे लिस्ट में इसकी वैल्यू ऐड करवा लो और फिर फर्स्ट लिस्ट का नेक्स्ट बंदा ऐड कर दो, नेक्स्ट बंदा मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे रखा हुआ बंदा, फर्स्ट लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स पे रखा हुआ बंदा, दैट इज फाइव। ठीक है, ऐड करवा दिया। अच्छा, अगला रिमूवल, नेक्स्ट रिमूवल, तो सिक्स फाइव फाइव फोर, सबसे छोटा बंदा बाहर आएगा फोर, इसकी वैल्यू एरे लिस्ट में ऐड करवा लो, सेकंड लिस्ट का नेक्स्ट बंदा प्रायोरिटी में ऐड कर दो।
सेकंड लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स पे रखा हुआ बंदा जो कि 16 है उसको प्रायोरिटी क्यू में ऐड करो, पेयर बनाओ। राइट, अब रिमूवल, तो दोबारा रिमूव करेंगे, मिनिमम एलिमेंट बाहर आएगा 5, 5, 6, 16, कोई भी बाहर आ सकता है इनमें से, लेट्स से ये बाहर आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू उठाई, आंसर में ऐड करा, एरर लिस्ट में ऐड कर लिया, और इसका नेक्स्ट बंदा ऐड करवा दो। थर्ड लिस्ट का सेकंड इंडेक्स पे रखा हुआ बंदा ऐड करा दो, तो थर्ड लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पे कोई भी नहीं रहता, तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन तीनों का मिनिमम, इन तीनों का मिनिमम 5 बाहर आ जाएगा। रिमूव किया तो ये आ गया बाहर, इसकी वैल्यू से आंसर अपडेट होगा, और फर्स्ट लिस्ट का सेकंड इंडेक्स पर रखा हुआ बंदा ऐड करवा दो, फर्स्ट लिस्ट का सेकंड इंडेक्स पर रखा हुआ बंदा दैट इज 8 ऐड हो जाएगा। अब मिनिमम रिमूव करोगे तो मिनिमम बाहर आएगा, ये आ गया बाहर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू से आंसर अपडेट, जीरो लिस्ट का नेक्स्ट बंदा ऐड करा दो, जीरो लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स पे रखा हुआ बंदा 12 प्रायोरिटी क्यू में ऐड। रिमूव करेंगे तो इन तीनों का मिनिमम ये बाहर आ जाएगा, 8 आ गया बाहर। आंसर अपडेट, फर्स्ट लिस्ट का थर्ड इंडेक्स पे रखा हुआ बंदा ऐड करा, नेक्स्ट 12, 20 और 16, तो मिनिमम 12, 12 आ जाएगा बाहर। इसके हेल्प से आंसर अपडेट, जीरो लिस्ट का सेकंड इंडेक्स पे रखा हुआ बंदा ऐड करवा दो, 25। अब 16, 25 और 20 का मिनिमम बाहर आएगा, रिमूव करेंगे तो इसके हेल्प से आंसर अपडेट, और फिर सेकंड लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पर रखे हुए बंदे को ऐड करा दो, दैट इज 20। ठीक, कर लेते हैं एक बार, पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट रिमूव करोगे तो इनमें से कोई भी बाहर आ सकता है, लेट से ये बाहर आ गया। इसके हेल्प से आंसर अपडेट, फर्स्ट लिस्ट के फोर्थ इंडेक्स को ऐड करा दो, फोर्थ इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू। नेक्स्ट अगला रिमूवल, 20 बाहर आ जाएगा, आंसर अपडेट, सेकंड लिस्ट के थर्ड इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू को ऐड करो, अब रिमूव करोगे 25, 25, 24, 24 बाहर आ गया। इसके हेल्प से आंसर अपडेट, और फिर फर्स्ट इंडेक्स के, सॉरी फर्स्ट लिस्ट के फिफ्थ इंडेक्स पर रखा हुआ है, फर्स्ट लिस्ट के फिफ्थ इंडेक्स पे कोई नहीं रहता, इन दोनों में से कोई भी बाहर आ सकता है, लेट्स से कि ये बाहर आ गया। 25, जीरोथ लिस्ट के थर्ड इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू ऐड करा दो, दैट इज 30। नेक्स्ट 25 बाहर आएगा, आंसर में ऐड, सेकंड लिस्ट के फोर्थ इंडेक्स पे, सेकंड लिस्ट के फोर्थ इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू को ऐड कराओ, अब दोनों में से बाहर आएगा 28। इसके हेल्प से आंसर अपडेट, तो सेकंड लिस्ट के फिफ्थ इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू को ऐड कराओ, सेकेंड लिस्ट के फिफ्थ इंडेक्स में कुछ भी नहीं रहता, ऐड नहीं होगा। रिमूव करोगे तो ये बाहर आ जाएगा, 30, जीरोथ लिस्ट के फोर्थ इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को ऐड करा दो, जीरोथ इंडेक्स के, जीरोथ लिस्ट के फोर्थ इंडेक्स पे कुछ भी नहीं रखा,
फाइनली प्रायोरिटी क्यू का साइज 0 हो चुका है, ये एरर लिस्ट हमारा जवाब बन चुके हैं। ठीक है, देख लो कितने एलिमेंट्स थे, 4, 5, 5, 10, 14, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सॉर्टेड एरर लिस्ट तैयार होगी। ठीक है, अब इसमें छोटी सी दिक्कत आएगी, एक बार आप इसको ट्राई करो, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, छोटी सी दिक्कत आएगी, तो कंपैरिजन किसके बेसिस पे करेगा तो उसके लिए एक नई चीज पड़ेगी, पर एक बार बाकी का कोड लिखो। ठीक है, मतलब एक बार कोड लिखो, कुछ गलती आएगी उस गलती को समझेंगे, फिर उस गलती को ओवरकम करेंगे। तो एक बार इतने पोर्शन का कोड लिखिए। ठीक है, डिस्कशन अभी पूरी नहीं हुई है, राइट, इतने पोर्शन का कोड लिखो, कुछ गलती आएगी, देन वी विल फिगर आउट क्या गलती, उसको समझेंगे।
ठीक है, लिखें एक बार कोड, अपने पोर्शन का कोड लिखते हैं और फिर देखते हैं क्या गलती आती है। ठीक है, एक बार देख लो यार, साथ में देख लो। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक क्लास पेयर क्लास बनाई और उसके अंदर मैं तीन चीजें रखता हूँ, वैल्यू बेस्ड इंडेक्स एंड डेटा इंडेक्स। ठीक है, कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, int val list index data index, so this dot value will be equals to value, this dot list index will be this index and this dot data index will be data index। ठीक है, चलो ये हो गया, फिर क्लास बनाई और अब यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होगी। तो प्रायोरिटी क्यू ऑफ एयर क्लास पी क्यू इज इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू पी क्यू इज इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। अच्छा, पेयर क्लास की बनाई है, तो पहले मुझे क्या करना है, हर एक लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे रखे हुए बंदे को ऐड करो आप। सो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो से, या फिर थोड़ा सा स्मार्टली भी लगा सकता हूँ इस लूप को, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स लिस्ट इन लिस्ट्स। ठीक है, जो एरे लिस्ट गिवन है ना लिस्ट्स, तो मैं वन बाय वन इसमें से एक लिस्ट निकालता रहूंगा और उसके जीरो इंडेक्स पर रखे हुए बंदे को प्रायोरिटी क्यू में ऐड कराता हूं। प्रायोरिटी क्यू डॉट ऐड, नया पेयर बनाओ, उस नए पेयर में क्या क्या होना चाहिए, लिस्ट डॉट गेट जीरो, जीरो इंडेक्स पे रखा हुआ बंदा, ठीक है, लिस्ट इंडेक्स चाहिए होगा एक, पुराने वाला ही मेथड चाहिए होगा, या फिर एक वेरिएबल ले लो। ठीक है, तो पुराने वाले को ही प्रीफर करता हूँ, बताओ जीरो से लिस्टों का साइज आई प्लस प्लस, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर लिस्ट इज इक्वल्स टू लिस्ट डॉट गेट आई। ठीक है, वो लिस्ट हमने निकाल ली, प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दो एक नया पेयर वैल्यू, पहले वैल्यू देनी है, तो लिस्ट डॉट गेट जीरो, लिस्ट इंडेक्स आई, डेटा इंडेक्स जीरो। ठीक है, आई एथ लिस्ट के जीरो इंडेक्स करके बंदे को ऐड करवा, फाइन, इतना काम हो गया, हर एक लिस्ट के जीरो इंडेक्स करके बंदे को प्रायोरिटी में ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट, जब तक प्रायोरिटी का साइज जीरो नहीं हो जाता, जब तक प्रायोरिटी का साइज जीरो नहीं हो जाता तब तक काम चलेगा। काम क्या करना है, प्रायोरिटी क्यू में से रिमूव पेयर, रिमूव्ड पेयर इज इक्वल्स टू प्रायोरिटी क्यू में से गया रिमूव। ठीक है, इसके बाद रिमूव करने के बाद उसको आंसर में ऐड कर लो। ठीक है, इसको मैं आंसर बोल देता हूं, तो आंसर में ऐड कर लेंगे
रिमूव्ड पेयर की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे प्रायोरिटी क्यू में इसका नेक्स्ट बंदा, ये जो बंदा बाहर आया है, ये मुझे देखना पड़ेगा कौन से लिस्ट के कौन से डेटा इंडेक्स पर रखा हुआ बंदा है, उसी लिस्ट के नेक्स्ट डेटा इंडेक्स पर रखे हुए बंदे को प्रायोरिटी क्यू में ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर उसका नेक्स्ट बंदा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है तो ही तो उसको ऐड करोगे, राइट। कंडीशन अभी देखते हैं कंडीशन क्या आएगी। तो ऐड क्या करना है मुझे, प्रायोरिटी क्यू में ऐड करना है एक नया पेयर जिसका लिस्ट इंडेक्स तो वही रहेगा जो रिमूव्ड पेयर का, सॉरी वैल्यू, वैल्यू बाद में देखेंगे, वैल्यू के लिए जगह खाली छोड़ दी मैंने। लिस्ट इंडेक्स वही रहेगा जो रिमूव्ड पेयर का लिस्ट इंडेक्स है, ठीक है। डेटा इंडेक्स रिमूव्ड पेयर का जो डेटा इंडेक्स है उससे एक ज्यादा, और अगर आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, लिस्ट इंडेक्स है हमारे पास, तो लिस्ट डॉट गेट, लिस्ट इंडेक्स बता दिया यहां पे, डॉट गेट रिमूव्ड पेयर का डेटा इंडेक्स प्लस वन, ठीक है। जो लिस्टों में से एक लिस्ट निकाल ली, रिमूव्ड पेयर का लिस्ट इंडेक्स वो वाली लिस्ट निकाल ली, और रिमूव्ड पेयर डॉट डेटा इंडेक्स प्लस वन पे रखी हुई वैल्यू निकाल, ठीक है। पर ये काम तभी कर पाओगे जब वो डेटा इंडेक्स एग्जिस्ट करता होगा, राइट। तो लिस्ट डॉट गेट रिमूव्ड पेयर का लिस्ट इंडेक्स ये लिखना चाहिए, रिमूव्ड पेयर का डेटा इंडेक्स प्लस वन शुड बी लेस देन लिस्ट डॉट साइज। देखो, देखना स्टेटमेंट को, डेटा इंडेक्स प्लस वन शुड बी लेस देन, वो लिस्ट निकाल ली मैंने, लिस्ट डॉट गेट रिमूव्ड पेयर डॉट लिस्ट इंडेक्स, ठीक है, वो लिस्ट निकाल ली, और उस लिस्ट के साइज से छोटा होना चाहिए डेटा इंडेक्स प्लस वन, तभी तो डेटा इंडेक्स प्लस वन पे रखी हुई वैल्यू को ऐड कर पाओगे। तो ये आएगी कंडीशन, डेटा इंडेक्स प्लस वन शुड बी लेस देन लिस्ट डॉट साइज, ठीक है। लिस्ट का साइज कैसे निकाला, इस तरह से, लिस्ट इंडेक्स था हमारे पास, लिस्ट इंडेक्स था, उसकी हेल्प से लिस्ट का साइज निकाल लिया, ठीक है। ये लिस्ट इंडेक्स, ये डेटा इंडेक्स, फिर इस लिस्ट के इस डेटा इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू को ऐड करवाना था, तो ये लिख दिया, ठीक है। और ये काम कब तक चलेगा, जब तक प्रायोरिटी का साइज जीरो नहीं हो जाता, फाइन। तो हो चुका है बस कंप्लीट, एक बार इसको चला के देखते हैं, ठीक है। तो एक अजीब सा एरर मिला मेरे को यहाँ पे, वो क्या कह रहे हैं, एक बार इसको पढ़ लेना, इसको समझेंगे अभी। जावा डॉट लैंग, ये मिला क्लास कास्ट एक्सेप्शन, क्लास कास्ट है ना, कुछ टाइप कास्ट का कुछ एरर है क्लास कास्टिंग का, और ये बोल रहा है कैन नॉट बी कास्ट टू क्लास कंपेरेबल, कंपेरेबल में टाइप कास्ट नहीं कर पाया, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। दोबारा बोलता हूँ, मतलब ऐसा कुछ कहना चाह रहा है कि यार ये कंपेरेबल में टाइप कास्ट नहीं कर पाया, राइट, ठीक है। तो अगर पूरा पूरा मतलब नहीं समझ में आया, तो सिंपली मैं ये बोल सकता हूँ कि यार इसको ना ये नहीं पता कि किसके बेसिस पे कंपैरिजन कर, राइट, ये कंपेरेबल में टाइप कास्ट करने का मतलब कंपेरेबल, कंपेरेबल बना दिया उसको, ठीक है, कंपेरिजन करने लायक बना दिया उसको, राइट।
अभी उसे ये नहीं पता कि किसके बेसिस पे कंपैरिजन करें, क्योंकि पेयर क्लास में तो तीन चीजें रहती है, वैल्यू, लिस्ट इंडेक्स, डेटा इंडेक्स। किसके बेसिस पे कंपैरिजन करें नहीं पता, है ना, इस वजह से वो एरर आया, कंपेरेबल आ रहा है एरर। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा भाई, अगर आप प्रायोरिटी क्यू किसी ऐसी क्लास का बनाते हो, यूजर डिफाइंड क्लास का, तो ना आपको एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होता है, एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होता है, और उस इंटरफेस का नाम होता है कंपेयर टू। ठीक है, अभी इसके ऊपर बात करेंगे, इंटरफेस और क्लास में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा बात करूंगा। अभी के लिए सुन लेते हैं कि ये इंप्लीमेंट करेगा एक इंटरफेस जिसका नाम है कंपेयर टू। तो कंपेयर टू में ना, इनफैक्ट पहले बात कर ही लेता हूँ कि क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होगा। देखो क्लास में क्या होता है, क्लास हमने पढ़ रखी, क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स होंगे और कुछ फंक्शंस होंगे अलोंग विद देयर डेफिनेशंस। उनकी डेफिनेशन हमेशा होती है, मतलब ऐसा आपको कोई भी नहीं दिखेगा कि फंक्शन की बस डिक्लेरेशन प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होता। क्लास में सारे फंक्शंस की डेफिनेशन हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, क्लास के बारे में आइडिया है इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस कंपेरेबल आएगा, छोटी सी गलती करती, इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल क्योंकि एरर उसी का आ रहा था ना, कंपेरेबल। फाइन फाइन, कंपेयर टू फंक्शन होता है, तो इंटरफेस क्या होता है, कुछ क्लास की तरह होता है, पर इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस की डिक्लेरेशन मिलेगी आपको, फंक्शन डिक्लेयर करके छोड़ दिया। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक इंटरफेस है, अभी मैं आपको इंटरफेस दिखा भी दूंगा, ठीक है, एक इंटरफेस है कंपेरेबल। ठीक है, ये इंटरफेस है कंपेरेबल, तो उसके अंदर ऐसे बस फंक्शन की डिक्लेरेशन छोड़ दी कि पब्लिक स्टैटिक इंटीजर कुछ रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम कंपेयर टू, राइट, कुछ आर्ग्यूमेंट में ले लेगा, लेट्स से एग्जांपल ये ले लिख रहा हूँ, एंट आई। ठीक है, बस डिक्लेयर करा, छोड़ दिया, डेफिनेशन नहीं दिया, बस क्या क्या बता दिया, आर्गुमेंट में क्या क्या आएगा और रिटर्न क्या आएगा। ठीक है, इसके डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करी। एक और फंक्शन ऐसा ही होता, पब्लिक स्टैटिक कुछ और रिटर्न कर रहा होता, लेट्स से डबल फन टू, और यहाँ पे कुछ भी इनपुट ले सकता है। ठीक है, अगर जेनेटिक्स टर्म्स में बात करूं तो मैं ऐसे लिख के छोड़ देता हूँ। ठीक है, टी कैन बी एनीथिंग। तो बस क्या किया यहाँ पे, डिक्लेयर करके छोड़ दिया कि भाई ये तो इनपुट लेगा, ये आर्गुमेंट में ये आना चाहिए और आउटपुट डबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब फंक्शन रिटर्न क्या करेगा और आर्गुमेंट में क्या लेते हैं। ठीक है, इनपुट क्या लेगा, आउटपुट क्या देगा, इस तरह से। तो एक बार देख लेते हैं, इंटरफेस को देख लेते हैं, कंपेरेबल को ही दिखा देता हूँ, कंपेरेबल इंटरफेस सोर्स में। ठीक है, ये देख लो, पब्लिक इंटरफेस कंपेरेबल, ये जेनरिक्स है, मतलब ये एंगुलर ब्रैकेट्स में बेसिकली जेनरिक्स होता है, किसी का भी बना सकते हो, स्ट्रिंग का बना सकते हो, इंटीजर का बना सकते हो, यूजर डिफाइंड क्लास का बना सकते हो, है ना, तो ये एंगुलर ब्रैकेट्स जहां भी मिल जाए ना, जेनरिक्स होता है उसका मतलब, जेनरिक किसी का भी बना सकते हो। तो इसके अंदर बस क्या किया हुआ है, इंट कंपेयर टू, खत्म।
है, बाकी कमेंट वमेंट कुछ लिखा हुआ है, और बस यहाँ पे सिर्फ क्या मिला हमें, फंक्शन की डिक्लेरेशन, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। और ये जावा डॉट लैंग पैकेज में, तो इसलिए वो एरर भी जावा डॉट लैंग डॉट कंपेरेबल आया, राइट। बस इतना ही है, ये बाकी सब तो ये स्टार में जो लिखा हुआ कमेंट है, कोड इतना ही है बस इसका, इंट कंपेयर टू। ठीक है, अच्छा। अगर ना ये इनहेरिटेंस में छोटी सी चीज आती है इनहेरिटेंस में, कि अगर आप एक क्लास का कोड दूसरे क्लास में इनहेरिट करना चाहते हो तो यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ता है। ठीक है, इसके ऊपर पूरी बात अभी नहीं करूंगा, छोटा सा आइडिया दे रहा हूं कि क्लास ए है, क्लास बी है, आप चाहते हो कि क्लास ए का पूरा कोड ना, इसके सारे फंक्शनैलिटीज क्लास बी में आ जाए, तो हम यूज करते हैं एक्सटेंड, एक्सटेंड्स क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए। ठीक है, एक्सटेंड्स ये कीवर्ड यूज करेंगे, एक्सटेंड्स। पर अगर हम किसी भी इंटरफेस को यूज करना चाहते हैं तो कीवर्ड यूज करते हैं इंप्लीमेंट्स। ठीक है, इंप्लीमेंट्स इंट्यूटिव है कि भाई इस क्लास को एक्सटेंड करना चाह रहे हो, बी क्लास को एक्सटेंड करना चाह रहे हो, राइट। बी क्लास में ए क्लास का कोड लाना चाह रहे हो, क्लास बी एक्सटेंड क्लास है, राइट। देखो मीनिंग मीनिंग समझ के देखो, एक्सटेंड का मतलब क्लास ए का कोड एक्सटेंड करना चाहते, क्लास बी में क्लास ए का कोड लाना चाहते। ठीक है, परफेक्ट कीवर्ड है एक्सटेंड्स। और यहां पे मुझे क्या करना है, इस इंटरफेस को यूज करना है, तो इसके लिए इंप्लीमेंट्स, इंप्लीमेंट्स क्योंकि मैं इन फंक्शन को इंप्लीमेंट करने वाला हूं, इनकी डेफिनेशन प्रोवाइड करने वाला। ठीक है, कीवर्ड भी बहुत सोच समझ के दिए जाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा दिस क्लास पेयर इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल। ठीक है, इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल ऑफ पेयर। राइट, तो इंटरफेस को आप किस तरह समझ सकते हो कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कि भाई अगर आप इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हो ना, आप इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना चाहते हो, जो भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना चाहती है उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इस इंटरफेस में जितने भी फंक्शंस लिखे हुए हैं, जितने भी फंक्शंस डिक्लेयर कर रखे हैं, उन सबके डेफिनेशन प्रोवाइड कर। दोबारा बोलता हूं अपनी बात, अगर कोई भी क्लास किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस इंटरफेस में लिखे हुए हर एक फंक्शन के डेफिनेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई ये सारे फंक्शन है, इन सारे फंक्शंस को आपको डिफाइन करना पड़ेगा अगर आप मुझे इंप्लीमेंट करना चाहते हो, सारे ही फंक्शंस को, सारे ही फंक्शंस। ठीक है, तो यहां पे हमने देख लिया, अभी अभी सोर्स कोड के अंदर जाके देखा कि एक ही फंक्शन था इसके अंदर, कंपेयर टू नाम का। ठीक है, ये टी तो जेनरिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेनरिक, टी कैन बी एनीथिंग, टी कैन बी स्ट्रिंग, टी कैन बी इंटीजर। ठीक है, तो इंट कंपेयर टू ये फंक्शन हमें लिखना है जाओ। कंपेयर टू फंक्शन इसमें आएगा अदर पेयर, है यहाँ पे पेयर पास कर रखा है, पेयर क्लास तो इंप्लीमेंट कर रही है पेयर। ठीक है, तो कंपेयर टू फंक्शन से अब वहां डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं पे मैं बताता हूँ कि एक ही लाइन लिखनी होती है कि किसके बेसिस पे कंपैरिजन करवाना है। ठीक है, कंपेयर टू में एक तो बाय डिफॉल्ट आएगा दिस का पेयर, एक आएगा अदर पेयर। भाई नॉर्मल फंक्शन ही तो है, अब इसको नॉर्मल फंक्शन की तरह समझो,
कंपेयर टू को नॉर्मल फंक्शन की तरह समझो। तो जब भी मैं इसको कॉल लगाऊंगा, एक तो दिस पास हो जाएगा और दूसरा मुझे यहाँ पे ये अदर पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न दिस डॉट वैल्यू माइनस अदर डॉट वैल्यू, दिस डॉट वैल्यू माइनस अदर डॉट वैल्यू, इससे आपको मिलेगा डिफॉल्ट बिहेवियर, ठीक है। डिफॉल्ट बिहेवियर, डिफॉल्ट बिहेवियर जो जावा का होता है, राइट। सॉरी, दिस डॉट वैल्यू माइनस अदर डॉट वैल्यू, जो जावा का डिफॉल्ट बिहेवियर, मिन प्रायोरिटी क्यू, कि सबसे छोटे एलिमेंट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो, उसके लिए आपको ये लाइन लिखनी होगी, दिस डॉट वैल्यू माइनस अदर डॉट वैल्यू। अच्छा, आप जरा सोच के बताओ कि अगर मुझे मैक्स प्रायोरिटी क्यू बनानी होती, कि मैक्सिमम एलिमेंट सबसे पहले बाहर आए, तो क्या चेंज करता इसी के अंदर, पेयर क्लास में क्या चेंज करता? इसको पलट देता हूं, अदर डॉट वैल्यू माइनस दिस डॉट वैल्यू कर देता हूं, ठीक है। तो अभी के लिए हमने एक इंफॉर्मेशन से प्रिजर्व कर ली, वो इंफॉर्मेशन क्या है कि दिस डॉट, जिसके बेसिस पे कंपैरिजन करवाना चाहते हो, माइनस अदर डॉट वैल्यू, ये जावा का डिफॉल्ट बिहेवियर हमें प्रोवाइड करेगा, अदर डॉट वैल माइनस दिस डॉट वैल, ये मैक्स प्रायोरिटी क्यू बना दे। सो दिस माइनस अदर डिफॉल्ट बिहेवियर, ठीक है। ठीक है, तो आप जरा इसको चला के देखते हैं। तो पहले इसको नहीं पता था कि किसके बेसिस पे कंपैरिजन करना है, अब इसको पता लग गया किसके बेसिस पे कंपैरिजन करना है। Let's try to submit it. Right. अब थोड़ा सा वेग रह गया होगा कि भाई ये इसको इंप्लीमेंट क्यों कर रहा है, राइट। इसको इंप्लीमेंट करके कंपेयर टू लिखने से क्या फायदा हो रहा है? अब आपको एक लाइन बोलता हूं मैं, कहीं ना कहीं प्रायोरिटी क्यू कंपैरिजन के लिए इस कंपेयर टू फंक्शन को यूज कर, ठीक है। दोबारा सुनना है, अजीब सी बात, जो प्रायोरिटी क्यू है ना, कंपैरिजन के लिए कहीं ना कहीं कंपेयर टू फंक्शन को कॉल लगा रही, कंपेयर टू फंक्शन कॉल किया गया होगा, है ना। लिखा है आपने इसको, कुछ तो यूज करा होगा। वो यूज कौन कर रहा है? वो यूज करता है प्रायोरिटी क्यू क्लास। तो ये पूरा डाउट कहां पे जाके क्लियर होगा? जब हम अपनी प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको पता लगेगा कि कंपेयर टू कैसे यूज होता है। बिल्कुल ऐसी ही फंक्शनैलिटी देने वाले हैं, जैसे प्रायोरिटी क्यू किसी की भी बना सकते हो, तो हम भी प्रायोरिटी क्यू किसी की भी बना पाएंगे, ऐसी फंक्शनैलिटी देंगे अपनी प्रायोरिटी क्यू में। फाइन, तो थोड़ा सा वेग क्या रह गया कि भाई ये इंप्लीमेंट क्यों कर रहा है इसको, इंप्लीमेंट कंपेरेबल क्यों, कंपेयर टू फंक्शन लिखने से क्या हो गया ऐसा? कंपेयर टू फंक्शन लिखने से ऐसा कुछ हो गया जिससे प्रायोरिटी क्यू को पता लग गया कि भाई कंपैरिजन किसके बेसिस पे करना है, मतलब प्रायोरिटी क्यू कहीं ना कहीं इस कंपेयर टू फंक्शन का यूज कर, ठीक है, वो करती है, दिखेगा वो, ठीक है। करिए कोड सबमिट। हाँ बिल्कुल, जब हम प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर बनाते हैं, प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर, तो सोच के देखो, इंटीजर क्लास में भी, इंटीजर क्लास ने भी इंप्लीमेंट कर रखा होगा कंपेरेबल को, तभी तो प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर बन जाती है ना, पक्का से इंप्लीमेंट कर रखा होगा। देखें, हाँ
ये देखो, पब्लिक फाइनल क्लास इंटीजर एक्सटेंड्स नंबर, इस क्लास को इसने एक्सटेंड कर रखा है, ठीक है, इस क्लास को एक्सटेंड कर रखा है, और इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल ऑफ इंटीजर, ठीक है, और कंपेयर टू फंक्शन की डेफिनेशन भी दी होगी क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करा है, तो कंपेयर टू फंक्शन की डेफिनेशन 100% दी होगी। कंपेयर टू, ठीक है, फर्दर इसने किसी दूसरे फंक्शन को कॉल लगा रखा है, दिस और अनदर इंटीजर, हम यहां पे अदर पास कर, दिस और अदर, ठीक है, ये था, ये कंपेयर फंक्शन को कॉल लगा लेते हैं, अलग से एक फंक्शन लिख लिया उसको भी कॉल लगा लेते, फाइन। तो बस ये दिखाना था कि इंटीजर क्लास प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर बनाते हो ऐसे थोड़ी ना बन जाती है भाई, उस क्लास ने भी इंप्लीमेंट कर रखा होगा कंपेयर, तभी बन पाती है। अभी समझेंगे यार ये -1 0 और 1 इसका क्या मतलब है, तो इस कंपेयर टू फंक्शन को समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। तो यहां से ना इंटीजर वैल्यू क्या रिटर्न होती है, 0 1 और -1, मतलब नेगेटिव 0 और पॉजिटिव, इससे हमें पता लग जाता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, राइट। एक बार कोड करो, ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे जब प्रायोरिटी क्यू हम अपने लिखेंगे, कंपेरेटर भी आएगा, दोनों चीज आएंगी। हाँ नुपुर, हाँ हेलो, तो जी, मेरा डाउट है इसमें, एक इसी में ही डाउट है कि ये जो कंपेयर टू है, ये जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी मिन प्रायोरिटी क्यू बिहेवियर देता है, तो उसमें ये वन रिटर्न करता है क्या? लाइक दिस डॉट वैल माइनस ओ डॉट वैल वन रिटर्न करता है अगर मिन प्रायोरिटी क्यू का बिहेवियर चाहिए कि -1 रिटर्न करेगा. अगर ये छोटा है, इसका छोटी है, माइनस रिटर्न करेगा, -1 क्या नेगेटिव वैल्यू, जब डिस्क की वैल्यू छोटी है, माइनस छोटी होगी तभी तभी वो -1 रिटर्न करेगा, तभी वो मिन प्रायोरिटी क्यू बन पाएगी. ठीक है सर. सर एक और डाउट है, इस वाले क्वेश्चन में वो जो कंस्ट्रेंट देख के कैसे मालूम पड़ा था कि प्रायोरिटी क्यू यूज करनी है, और जनरली कैसे मालूम पड़ता है कि प्रायोरिटी क्यू यूज करनी है कि कोई और डेटा से यूज कर सकते हैं? अब इस क्वेश्चन में तो सीधा सीधा लिखा ही हुआ था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्टेड इज एन इन के, राइट। तो जो ब्रूट फोर्स हमने करा था उसमें एन इन टू के आ रही थी, ठीक है, तो जहां कहीं मतलब ये ऐड और रिमूव कितने के फंक्शन है, लॉग एन के, ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रायोरिटी क्यू, राइट। तो जहां कहीं इस तरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना, या फिर आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा कि कितने सेकंड्स में ये कंप्लीट होना चाहिए, कौन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चल जाएगी, एन लॉग एन चल जाएगी या एन स्क्वायर लॉग एन चल जाएगी, तो ये लॉग एन वाला फैक्टर जहां कहीं आता है, तो वहां आप सोच सकते हो बाइनरी सर्च के बारे में, वहां आप सोच सकते हो प्रायोरिटी क्यू के बारे में, राइट। या फिर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात हो रही हो तो वहां प्रायोरिटी क्यू, जैसे बाइनरी सर्च क्यों नहीं सोचा, आई मीन मेरा बहुत वेग क्वेश्चन है, बट बाइनरी सर्च क्यों नहीं सोचा गया? वो भी तो लॉग एन ही होती है ना. हाँ, पर हर क्वेश्चन के लिए मतलब सारी चीजें सोचोगे आप, बाइनरी सर्च भी सोच सकते हो, बाइनरी सर्च क्या, मैंने इसके लिए सॉर्टिंग ही सोच ली थी कि एरे को सॉर्ट करो और उसमें से आंसर निकाल लो, और वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, राइट। और वैसे भी अगर करंट क्वेश्चन की बात करूं तो मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट, इसमें बाइनरी सर्च का क्या यूज होगा, तो प्रायोरिटी क्यू में एटमोस्ट के एलिमेंट्स होंगे, दैट्स व्हाई इट्स लॉग के, और हमको एन एलिमेंट्स करना है इसलिए एन लॉग के.
हाँ जी, थैंक यू। ठीक है। हाँ सुरेखा बताइए। सर मुझे इसका कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया नहीं आया, लाइक वो जो पिछला वाला आपने अप्रोच कराया था जब आपने पॉइंटर्स लेके करे तो उसमें एन के क्यों था? एनपी क्यों होता? अच्छा देखो, ऐसे काफी सारी क्लास काफी सारी लिस्टें थी मेरे पास। ये एक लिस्ट, ये दूसरी लिस्ट, तीसरे लिस्ट, ठीक है, और ये फोर्थ लिस्ट, राइट। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन, राइट। तो आप क्या करोगे अपना आंसर बनाने के लिए? अपने आंसर के अंदर एन एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, पर पहला एलिमेंट कौन सा होगा उसके लिए फैसला कैसे होता है, उसके लिए आप इन सबको कंपेयर करवाओगे, राइट, कि इन सब में से जो सबसे छोटा है वो आएगा, ठीक है। और हमें ऐसा बोला गया था कि ऐसी ऐसी के लिस्ट की बताए, के लिस्ट, तो यहाँ पे के एलिमेंट्स को कंपेयर कराओगे ना, के एलिमेंट्स को कंपेयर कराओगे तब जाके ये फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा इसका फैसला होगा। इधर कंपैरिजन करा रहे हैं बेसिकली हम लोग हर एक लिस्ट के अंदर, पर दूसरे अंदर कंपैरिजन भी करा रहा हूं, जैसे नॉर्मली अपनी प्रैक्टिकिंग से इंप्रूव करके देख रहे हैं। ओके वेलकम। थैंक यू। प्रणाली यहाँ पे हम मर्ज सॉर्ट नहीं यूज कर सकते, मर्ज सॉर्ट को भी यूज किया जाता है, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना इसकी भी, स्पेस ज्यादा लगेगा पर मर्ज सॉर्ट में। स्पेस बढ़ जाएगी। ओके ओके थैंक यू। तरुण भैया ये मेरे को ये कंपेयर टू मेथड समझ में नहीं आया, उसमें वो डॉट वेल और ये अदर पेयर का वो क्या वो है वो समझ में नहीं आया मुझे। यार अभी के लिए एक बार बस इतना ही एब्स्ट्रैक्शन पे चलना पड़ेगा कि दिस डॉट अदर डिफॉल्ट बिहेवियर, अदर डॉट दिस जस्ट उसका अपोजिट बिहेवियर, मैक्स प्रायोरिटी, समझेंगे जब अपनी प्रायोरिटी को क्लास लिखेंगे। ठीक है भैया, थैंक यू, अभी के लिए ऑब्जेक्शन मान लेते हैं। ठीक है आज लिखेंगे। मनीष सर ये कंपेयर टू बेसिकली कंपेयर ही तो कर रहा है कि कौन अगर बड़ा है मीन है तो काइंड ऑफ एक वैल्यू रिटर्न करता होगा उसके बेसिस पे चेक करता होगा। हाँ तो मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू मतलब प्लस वन माइनस वन या जीरो ऐसे कुछ रिटर्न कर देता है, तो नेगेटिव वैल्यू से आइडिया लग जाता है, पॉजिटिव वैल्यू से आइडिया लग जाता है, जीरो है तो मतलब दोनों एलिमेंट इक्वल है। लेकिन फिर मतलब इंटीजर क्यों रिटर्न कर रहे हैं, बुलियन भी तो कर सकते थे। बुलियन में ट्रू और फॉल्स ही होता है, मतलब या तो छोटा है या बड़ा है, इक्वल होगा तो तीन चीजें रिटर्न करवाएं। ठीक है सर, अभी प्रणाली में क्वेश्चन पूछा था ना, एक मर्ज सॉर्ट से हो सकता है नहीं हो सकता, उसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम कैसे रहेगी? बिकॉज एक टाइम पे तो आप दो ही लिस्ट को लेके मर्ज कर पाएंगे, देन अगेन आपको टेक मोर लिस्ट इन दैट, तो उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम कैसे रहेगी, मुझे वो आइडिया नहीं आ रहा। क्योंकि एन जो है ना वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो अगर मान लो के लिस्टें हैं, के लिस्टें हैं तो मैं मान सकता हूँ ना कि पहले लिस्ट में एन बाई के एलिमेंट्स होंगे, दूसरे में एन बाई के, ठीक है, तो n के ऊपर थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे लेट्स से कि थोड़ा सा ड्रॉ करके देखो, लो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि लेट्स से पहले लिस्ट में भी चार एलिमेंट,
दूसरी लिस्ट में भी चार एलिमेंट इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हर एक लिस्ट, लेट्स ऐसा हमने मान लिया, ठीक है, या चार के बजाय पांच ले लो। तो n by 4 एलिमेंट्स इसमें, ऐसा बोल सकते हो ना, नियरली n by 4 एलिमेंट्स इसमें, नियरली n by 4 एलिमेंट्स इसमें, नियरली n by 4 एलिमेंट्स इसमें, तो मर्ज सॉर्ट करोगे, इन दोनों को मर्ज करोगे, ठीक है, तो इन दोनों को मर्ज करने पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? तो बेसिकली दोनों मर्ज हो गए n by 2, मैं एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा स्किप करता हूं और मैं बोलता हूं कि ये दोनों ना मर्ज हो गए, मर्ज हो गए n by 2 का एरे बनाएंगे, ये दोनों मर्ज हो गए n by 2 का एरे बना देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद n by 2, n by 2 आप इन दोनों को मर्ज करोगे, फाइनली आपको n का एरे मिलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं होगा लाइक एक जो एलिमेंट होगा वो इसी इसी प्रोसेस के अंदर देखू, तो पहले मैंने लिस्ट वन और लिस्ट टू को मर्ज किया, उसमें एक बार ही हम उस एलिमेंट को देख रहे हैं, फिर ये जो रिजल्ट आएगा उन दोनों रिजल्ट्स को आपस में मर्ज करें तो दूसरी बार भी हम उसे आइट्रेट करें, लाइक हम उसे दूसरी बार भी विजिट कर रहे हैं, तो उससे इंक्रीज नहीं होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? नहीं, इंक्रीज नहीं होगा। सिंपल जो हम प्रोसेस करते हैं ना, मर्ज सॉर्ट का सिंपल प्रोसेस ही दिखा रहा हूँ कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 5 6 7 और 8, ठीक है, सिंपल प्रोसेस देखो कि अगर मतलब मैं क्या करूंगा, इन दोनों लिस्टों को मर्ज करता हूँ, मर्ज सॉर्ट भी नहीं बोलता, ठीक है, एक अप्रोच क्या हो सकती है, एक अलग अप्रोच की बात करता हूँ कि n by 8 एलिमेंट्स यहाँ है, n by 8 यहाँ पे, n by 8 नियरली n by 8 मानेंगे वर्स्ट केस में, कि हर एक केस में n by 8 एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज करता हूँ, मर्ज सॉर्ट की बात नहीं हो रही, सिंपल मर्ज करता हूँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n by 4, क्योंकि n by 8 एलिमेंट्स यहाँ से, n by 8 एलिमेंट्स यहाँ से, n by 8 plus n by 8 is n by 4, इन दोनों को मर्ज करता हूँ तो n by 4, इन दोनों को मर्ज करता हूँ तो n by 4, इन दोनों को मर्ज करता हूँ तो n by 4, ठीक है, तो अब तक की टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ चुकी है? n by 4 plus n by 4 plus n by 4 plus n by 4, agreed? अच्छा, अब अगर इन दोनों को मर्ज करता हूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? n by 2, इन दोनों को मर्ज करता हूं तो n by 2, राइट? तो मर्ज करने के बाद जो एरे बनेगा वो n by 2 साइज का ही है, फिर इन दोनों को मर्ज करो, n by 2 साइज का एक एरे, n by 2 साइज का दूसरा एरे, इन दोनों को मर्ज करोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी मर्ज करने की n, और एरे हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे n प्लस n प्लस n कितने टाइम्स? log n टाइम्स, क्योंकि n से रिड्यूस होता है n by 2 में, n by 4 में, n by 8 में, n by 16 में, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, लाइक अगर ये कंडीशन हो कि मुझे एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार स्कैन करना है, लाइक एक लिस्ट को मुझे एक ही बार स्कैन करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, इन दैट सिनेरियो हम लोग फिर प्रायोरिटी क्यों यूज करें? बिकॉज उसमें एक्चुअली में एक ही बार स्कैन हो रहा है, उस केस में प्रायोरिटी क्यों यूज करते हैं? बढ़ाओ यार, काउंट बढ़ाओ, कैसे रुक गए?
हाँ भाई करता हूँ ब्रेकआउट रूम ओपन जल्दी से, बस 2 से 3 मिनट, लास्ट 3 मिनट्स।
शिवम हेलो सर, मेरा ये डाउट था इसमें कि जो हम प्रायोरिटी क्यू में ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि अब उसी वाली लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट ऐड होगा, कैसे डिसाइड कर रहे हैं? क्योंकि जो हम रिमूव किया है ना, जो पेयर हमने रिमूव किया है, हम देखो उसी का लिस्ट इंडेक्स लेता हूँ, रिमूव्ड पेयर का लिस्ट इंडेक्स और रिमूव्ड पेयर का डेटा इंडेक्स प्लस वन, इस बंदे को ऐड करता हूँ, तो लिस्ट डॉट गेट कौन से लिस्ट, लिस्ट इंडेक्स पता होना चाहिए, तो रिमूव्ड पेयर का लिस्ट इंडेक्स, लिस्ट आ गई जो आपने रिमूव की थी, जिसमें से अपने बंदा रिमूव किया है, वो लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। अच्छा, अब कौन सा बंदा ऐड करना है, इसी लिस्ट का अगला बंदा। नहीं, ये तो मेरे को समझ में आ गया कि हम इस वाली लाइन में क्या कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब ये वर्क कैसे कर रहा है कि उसी लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करें, वरना उससे छोटे तो और भी लिस्ट में हो सकते हैं ना एलिमेंट। ये कैसे स्ट्राइक किया कि इसी का ही नेक्स्ट एलिमेंट ऐड होगा प्रायोरिटी क्यू में? अगर मैं सबसे पहले इन सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करवाता हूं, सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कराता हूं, इनका मिनिमम जहां से आएगा पहले तो इन्हीं को कंपेयर कराऊंगा, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट इन्हीं में से आने वाला है ना, सारी सॉर्टेड लिस्ट है, सब सबसे छोटा बंदा यहां पे रखा होगा, तो इन्हीं सब को कंपेयर करा लो, इन सब में से जो सबसे छोटा होगा वही इवेंचुअली सबसे छोटा एलिमेंट होगा। और लेट्स से कि वो सबसे छोटा बंदा ये था, तो अब इसका नेक्स्ट एलिमेंट कंसिडर करो ना, क्योंकि ये तो मैं कंसिडर कर चुका हूँ, इसको तो मैंने आंसर का पार्ट बना दिया, तो अब ये सब कंपेयर होने चाहिए, इसीलिए मैंने इस लिस्ट का अगला बंदा कंसिडर करा। ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलो तो ब्रेकआउट रूम क्लोज और अपनी प्रायोरिटी क्यू लिखते हैं। ठीक है, तो कोड अब हमें चुप मिल जाएगा क्या? राइट, प्रायोरिटी क्यू, राइट प्रायोरिटी क्यू हीप एंड राइट हैश मैप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है प्रायोरिटी क्यू हमें लिखनी है, तो सिंपल प्रायोरिटी क्यू जेनरिक नहीं बना रहे होंगे, जेनरिक बनाएंगे पर थोड़ी देर बाद, अभी के लिए तो सिंपल प्रायोरिटी। ठीक है, तो प्रायोरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा हीप डेटा स्ट्रक्चर का, हीप डेटा स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, तो हीप डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है पहले इसको समझा देता हूँ, और यहां से मैं निकाल के लाऊंगा हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है, मेनली बस ये एक्सप्लेन करना है। राइट, तो आप मान सकते हो हीप डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ ट्री, एक ट्री होता है जिसमें ये हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, सिंपली एक बाइनरी ट्री होता है, सिंपली एक बाइनरी ट्री ठीक है, जिसमें कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी। मतलब ये हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी कुछ ऐसा कहती है कि चाइल्ड की वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी, इनफैक्ट पेरेंट की वैल्यू छोटी रहेगी हमेशा अपने चिल्ड्रन से, या फिर मैं इसको प्रायोरिटी क्यू के टर्म्स में समझाना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि पेरेंट की प्रायोरिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन प्रायोरिटी ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये है बेसिकली हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी। राइट, बाइनरी ट्री जिसमें हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। अच्छा, लेट्स से कि कुछ वैल्यूज रख लेता हूं यहाँ पे,
फाइव, 13, 6, अपने इमीडिएट चिल्ड्रन से, राइट, इमीडिएट चिल्ड्रन, आगे ट्री में क्या रखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, इमीडिएट चिल्ड्रन से कंपैरिजन होगा, 6, 19, 25 एंड 30, ठीक है। तो जरा अगर इसकी बात करें तो क्या इसमें हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है इस ट्री के अंदर, हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी, पेरेंट दोनों चिल्ड्रन से छोटा होना चाहिए, 13 6 से छोटा है, 13 6 और 19 से छोटा नहीं है, यहाँ वॉयलेट हो रही है, 6 25 30 दोनों से छोटा है, ठीक है। तो किसी भी एक के ऊपर अगर हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रही है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हीप डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, हीप डेटा स्ट्रक्चर में हर एक नोड के ऊपर हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी वैलिड होनी चाहिए, हर नोड के ऊपर, ठीक है, एट एवरी नोड। तो क्या यहां से हमें ये समझ में आ गया हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या कहती है? हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी कहती है कि प्रायोरिटी ऑफ पेरेंट शुड बी ग्रेटर देन प्रायोरिटी ऑफ चिल्ड्रन। अगर मैं अभी के लिए बनाना चाहता हूं मिन प्रायोरिटी क्यू, सबसे छोटे एलिमेंट को सबसे बड़ी प्रायोरिटी दूं, तो मैं लिख सकता हूं एट एवरी नोड value of node should be less than value of their children, ये condition heap order property, ठीक है। तो यहां से हम ये statement निकाल के लाए कि heap order property क्या कहती है, this is heap order property। तो प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी और एक चाहिए कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्यों चाहिए होगा इसका जवाब आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्यों चाहिए इसके ऊपर आपको सोचना है, इसका जवाब दिया नहीं है मैंने, क्यों चाहिए। अब देखो मैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करूंगा, प्रायोरिटी क्यू क्लास बनानी है, मैं सिंपली एक एरे लिस्ट लेने वाला हूं, सिंपल सी एक एरे लिस्ट ऐड करना है, एरे लिस्ट में ऐड कर दो, ठीक है, पर कुछ रीअरेंजमेंट करेंगे फिर उसके बाद, ऐड सिंपली करा लिया फिर कुछ रीअरेंजमेंट। आप आज तक प्रायोरिटी क्यू को ऐसे देखते हुए आए, जीरो, फिर अगला बंदा फर्स्ट इंडेक्स पे, अगला बंदा सेकंड इंडेक्स पे, नेक्स्ट थर्ड इंडेक्स पे, नेक्स्ट फोर्थ, नेक्स्ट फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ठीक है, और नाइन्थ और टेंथ, ये 12 तक बना देता हूँ, ठीक है। आज तक हमने प्रायोरिटी को ऐसे देखा, भाई मैं बोलता हूँ भाई थोड़ा सा नजरिया बदलते हैं और इसको अलग तरीके से देखते हैं, है ना, वो तो हमारे ऊपर है ना प्रायोरिटी को कैसे इमेजिन करना है। तो प्रायोरिटी को आज से ऐसे देखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ठीक है, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, राइट। तो प्रायोरिटी क्यू आज से ऐसे देखेंगे कि भाई जीरो का, जीरो के चिल्ड्रन वन एंड टू, वन के चिल्ड्रन थ्री एंड फोर, टू के फाइव एंड सिक्स, ठीक है, मतलब जीरो यहाँ पे, वन टू यहाँ पे, थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पे, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व अगले लेवल, एक बाइनरी ट्री की उसमें देखेंगे विजुअलाइजेशन, बाइनरी ट्री की तरह विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। तो इस एरे लिस्ट को बाइनरी ट्री के टर्म्स में देखने के लिए जो ये तो निकालना पड़ेगा ना कि भाई जीरो के चिल्ड्रन कौन कौन,
किसी भी नोड के लिए, किसी भी नोड के लिए उसका लेफ्ट चाइल्ड कौन सा होता है, राइट चाइल्ड कौन सा होता है ना, मतलब लेट्स से कि अगर मैं ऐसे बोलता कि भाई फोर, तो फोर का लेफ्ट चाइल्ड कौन, फोर का राइट चाइल्ड कौन, ठीक है, या फिर एट के लिए पूछता हूँ कि भाई एट का लेफ्ट चाइल्ड कौन, राइट चाइल्ड कौन, सिक्स के लिए पूछता लेफ्ट चाइल्ड कौन, राइट चाइल्ड कौन, फाइव के लिए पूछता लेफ्ट चाइल्ड कौन, राइट चाइल्ड कौन, है ना, ये पता तो होना चाहिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो जरा, जीरो इंडेक्स जीरो है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड वन, राइट चाइल्ड टू, वन के लिए थ्री फोर, टू के लिए फाइव सिक्स, है ना, डबल के आसपास जा रहा है, फोर के लिए देखो नाइन टेन, फाइव के लिए इलेवन ट्वेल्व। तो लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स अगर आपको पता करना है, लेट से मैं कहता हूं कि पेरेंट इंडेक्स आपको पता है, तो लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा, टू इंटू पेरेंट इंडेक्स प्लस वन, कहीं भी देख लो, और राइट चाइल्ड का इंडेक्स टू इंटू पेरेंट इंडेक्स प्लस टू, ठीक है, कहीं पे भी। भाई फोर के लिए लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा, फोर इंटू टू प्लस वन, फाइव के लिए राइट चाइल्ड का इंडेक्स फाइव इंटू टू प्लस टू, ठीक है, बारह। तो लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स निकालना है टू इंटू पेरेंट इंडेक्स प्लस वन, राइट चाइल्ड इंडेक्स निकालना है टू इंटू पेरेंट इंडेक्स प्लस टू, ठीक है, और इनको उठाता हूं। फाइन, अब दूसरे तरीके से भी तो पूछा जा सकता है कि एक चाइल्ड का इंडेक्स दे दिया, ठीक है, मतलब एक इंडेक्स दे दिया, बताने कि भाई इसका पेरेंट कौन होगा, इसका पेरेंट इंडेक्स बताओ। चाइल्ड इंडेक्स गिवन है, पेरेंट इंडेक्स कैसे निकालोगे, इलेवन और ट्वेल्व के लिए सोच के देख लो, टू से डिवाइड करने में काम नहीं बनता, इलेवन बाय टू इज फाइव बट ट्वेल्व बाय टू इज सिक्स, देखो जरा एक बार इसको ध्यान से देखो, टू इंटू पी आई प्लस वन, ये हमेशा एक ऑड नंबर होगा, मानते हो, इवन प्लस वन इज ऑड, RCI, राइट चाइल्ड हमेशा एक इवन नंबर होगा, दिख रहा है, इवन नंबर में टू ऐड कर दिया इवन मिलेगा, इवन प्लस इवन इज इवन, ठीक है। तो यहां पे अगर पेरेंट इंडेक्स निकालना होता तो फॉर्मूला क्या बनता, LCI माइनस वन बाय टू, करेक्ट, LCI ओड है, ओड माइनस वन इवन, इवन बाय टू, परफेक्ट आंसर आता। जैसे 11 के लिए सोच के देख लो, 11, 11 माइनस 1 बाय 2, तो 10 बाय 2 इज 5। तो मैं राइट के लिए भी यही लगा देता हूँ फॉर्मूला, RCI माइनस 1 बाय 2, तो भी तो पेरेंट इंडेक्स निकल जाएगा। भाई माइनस 2 करना चाहते थे, मैं मान गया, RCI माइनस 2 बाय 2, 12 माइनस 2 10, 10 बाय 2 इज 5, ठीक है, पर सिंपली इससे भी तो हो जाएगा, RCI माइनस 1 बाय 2, 12 माइनस 1 11, 11 बाय 2 इज 5, ठीक है। तो दोनों केस में कौन सा फॉर्मूला वैलिड निकला, चाइल्ड इंडेक्स माइनस 1 बाय 2, ठीक है, कहीं पे भी लगा के देखो, 11 माइनस 1 10 बाय 2, 12 माइनस 1 11 बाय 2, ठीक है, 9 माइनस 1 8 by 2, 4. 10 minus 1, 9 by 2. 9 by 2 is also 4. ठीक है? हर जगह वैलिड है. चाइल्ड इंडेक्स माइनस 1 by 2. तो अगर आपको कोई भी इंडेक्स बता दिया जाए तो हम उसके लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स निकाल सकते हैं, राइट चाइल्ड का इंडेक्स निकाल सकते हैं, उसके पेरेंट इंडेक्स का, उसके पेरेंट का भी इंडेक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा,
प्रायोरिटी क्यू में ये दो चीजें चाहिए होती है, हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी, हर नोड के ऊपर हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी वैलिड होनी चाहिए, और ये जो ट्री जो बन रहा है ना वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। कंप्लीट बाइनरी ट्री का क्या मतलब होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री कि अगर इसके अंदर n लेवल्स हैं, या फिर लेट्स से h लेवल्स हैं, तो h माइनस वन लेवल तक कंप्लीटली फिल होना चाहिए, और आखिरी लेवल लेफ्ट टू राइट फिल होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर टोटल एच लेवल्स हैं तो मैं बोलता हूं कि एच माइनस वन लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड। लास्ट वाला पार्शियली फिल्ड हो सकता है, एच लेवल कैन बी पार्शियली फिल्ड, बट वो पार्शियली फिल्ड ऐसे नहीं होना चाहिए कि बीच में कोई छूट जाए, वो लेफ्ट टू राइट फिल होगा, स्ट्रिक्टली लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ऐसे लेफ्ट से फिल होना स्टार्ट होगा, ऐसे राइट तक फिल होगा। फाइन, कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो मैं कहता हूं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री वाली प्रॉपर्टी तो हमेशा वैलिड है ही है, क्योंकि हम एरे लिस्ट ले रहे हैं, है ना। सोच के देखो, एक वैल्यू थी जीरो इंडेक्स पे, अगली वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे एड होगी, नेक्स्ट सेकंड इंडेक्स पे, नेक्स्ट थर्ड इंडेक्स, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th ऐड करता तो अगले लेवल पे जाके ऐड होता लेफ्ट साइड में, 15, 16, 17, 18 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, मानते हो ना, अगर एरे लिस्ट है और उस एरे लिस्ट को मैं इन फॉर्मूला से ट्री के टर्म्स में देखना चाहता हूं, तो वो ट्री हमेशा कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि यहां पे इंडेक्स जीरो, अगले एलिमेंट ऐड करोगे 1, 2, नेक्स्ट 3, 4, 5, 6, नेक्स्ट 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14, नेक्स्ट 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड सो ऑन। तो लेफ्ट टू राइट ही तो फिल हो रहा है, हमेशा लेफ्ट टू राइट फिल होता है, और ऊपर के लेवल कंप्लीटली फिल्ड होंगे तभी अगला लेवल पे जाए। ठीक है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री वाली प्रॉपर्टी तो मैनेज्ड है, बिकॉज हमने यहां पे एरे लिस्ट लिया है, इंडेक्स कंटिन्यूअस होंगे। अब हमें क्या करना है, ये हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी वैलिड करवानी हर जगह। ठीक है, इसके बारे में नहीं सोचते, ये तो वैलिड है क्योंकि हमने एरे लिस्ट ले लिया, और एरे लिस्ट को इन फॉर्मूलाज की टर्म्स में देख रहे हैं। हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी एट एवरी नोड, ये वैलिड होनी चाहिए हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी। वैल्यू ऑफ नोड शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी लेस देन वैल्यू ऑफ देयर चिल्ड्रन। ठीक है, तो अब यहां पे आप एड का फंक्शन सोचिएगा, प्रायोरिटी में एड का फंक्शन कैसे काम करेगा। मैंने पहला बंदा एड करा 5 या 15 एड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बंदा ऐड करता हूं मैं 20। ठीक है, 15 यहां पे, 20 नेक्स्ट, फिर ऐड करा लेट्स से मैंने 30, तो यहां तक सब ठीक है। अब लेट्स से मैं यहां पे ऐड करता हूं 7। ठीक है, 7 सोचना, ध्यान से सोचना, या 7 नहीं, मैं 12 ऐड करता हूं एक बार के लिए। राइट, ये 12 मैंने ऐड कर दिया। जैसे मैंने 12 ऐड किया ना, मैंने देखा यार 12 का पेरेंट क्या है, 12 का पेरेंट निकाल लेंगे इस फॉर्मूला के थ्रू, चाइल्ड इंडेक्स पता है उसका, पेरेंट इंडेक्स निकाल लेंगे, दोनों की वैल्यू कंपेयर करी। मैंने देखा यार पेरेंट के ऊपर तो छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ये तो बड़ी वैल्यू रखी हुई है ना, मतलब यहाँ पे हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रही है। हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या कहती है, हर नोड के ऊपर वैल्यू ऑफ नोड शुड बी लेस देन वैल्यू ऑफ देयर चिल्ड्रन। ठीक है, यहां पे तो वैलिड है, यहां पे वैलिड है, देखो जरा 20-30 दोनों से छोटा है, पर ये 20-12 से छोटा नहीं है, हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रही है। तो क्या करूंगा, मैं स्वैप करा दूंगा इनकी वैल्यूज। ठीक है, 12 यहां, 20 यहां, स्वैप एक्चुअली एरर लिस्ट में हुआ है। ठीक है, एरर लिस्ट में हुआ है स्वैप।
फिर उसके बाद मैं रुका नहीं, अभी भी देखो हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी वॉयलेटेड है. वैल्यू ऑफ नोड शुड बी लेस देन वैल्यू ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो 15 तो 12 से बड़ा है, ये भी स्वैप होगा. 12 यहां पहुंचेगा, 15 यहां आएगा, 0 और 1 भी आपस में स्वैप हुए हैं. ठीक है, अब हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी वैलिड है हर एक नोड के ऊपर वैलिड. ठीक है, मतलब क्या समझ में आया, मैंने एक वैल्यू ऐड कर दी लास्ट में, फिर मैं क्या करूंगा उस वैल्यू के लिए पेरेंट से कंपेयर करवाता हूँ, भाई पेरेंट पे अगर मेरे से छोटी वैल्यू पड़ी है स्वैप, और ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता रहे. ठीक है, मैंने अपने पेरेंट के साथ स्वैप करा दिया, अब वो अपने पेरेंट के साथ स्वैप होना चाहता है या नहीं वो डिसाइड कर देगा. मैं इसको बोल रहा हूं अप हीपीफाई. ठीक है, अप हीपीफाई मतलब यहां से ये वैल्यू 12 यहां पे ऐड किया था, वो चेंज होते होते यहां पे रूट तक पहुंच गए, ऊपर की तरफ जा रही है अप हीपीफाई. ठीक है, नेक्स्ट मान लो मुझे कुछ ऐड करना है, लेट्स से 40 ऐड करना है, तो सिंपली मैंने यहां पे 40 ऐड करवा दिया, हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी वैलिड है, वॉयलेट नहीं हुई. ठीक है, पेरेंट दोनों चिल्ड्रन से छोटा है. अच्छा नेक्स्ट, लेट्स से मैं 6 ऐड कराता हूं. ठीक है, 6 ऐड करवाया, तो ये अपने पेरेंट के साथ कंपेयर करेगा, भाई पेरेंट पे बड़ी वैल्यू रखी है, पेरेंट पे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती स्वैप. 6 यहां, 30 यहां, 6 यहां, 30 यहां. नेक्स्ट आप वीवीफाई पूरे रूट तक जाके चेक करके आता है, तो ये चेक करेगा भाई इसने अपना पेरेंट निकाला तो पेरेंट के ऊपर बड़ी वैल्यू रखी है, नहीं भाई पेरेंट के ऊपर बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, स्वैप करा दो. 6 यहां होगा, 12 यहां होगा. राइट, हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी वैलिड है. अगली वैल्यू 18 ऐड करवाता हूं, 18. तो ये कंपेयर करेगा अपने पेरेंट से. ठीक है, तो पेरेंट इससे छोटा है, पेरेंट इससे छोटा है, ये बॉर्डर प्रॉपर्टी वैलिड है, बाकी सारी जगह तो वैलिड थी. नेक्स्ट मैंने ऐड करा 25 ऐड हो गया, लेट्स से मैं ऐड करता हूं 17. ठीक है, या 14 ऐड करता हूं. देखिएगा जरा ध्यान से देखना, कोड निकालने की कोशिश करना अब यहां से. 14 आते क्या करूंगा, पेरेंट इंडेक्स निकाल लूंगा और पेरेंट और चाइल्ड का डेटा कंपेयर. ठीक है, अगर चाइल्ड का डेटा छोटा है तो स्वैप करा दो. 14 यहां, 20 यहां. ठीक है, स्वैप तो एरर लिस्ट में होगा. ठीक है, नेक्स्ट अब ये ना ये चलता रहेगा ये काम. ठीक है, ये रिकर्सिव कॉल लगा देना आप, ये काम चलता रहेगा. ये अपने पेरेंट को कंपेयर करेगा, अपना पेरेंट इंडेक्स निकालेगा, उसको कंपेयर करेगा, वे पेरेंट पे बड़ी वैल्यू रखी है तो स्वैप कराओ. फिर फर्दर ये अपना पेरेंट इंडेक्स निकालेगा और ये देखेगा कि भाई पेरेंट इंडेक्स पे मेरे से छोटी वैल्यू रखी हुई है तो ठीक है, यहां पे रिकर्शन डाई अवे कर जाना चाहिए, मेरा काम हो गया. ठीक है, बस आखिरी एग्जांपल ले रहा हूं, यहां से उम्मीद करता हूं कि आप पीपीफाई या ऐड का कोड निकाल लोगे, पीपीफाई को तो यूज करेंगे ऐड में. ठीक है, देख रहा हूं सिंपली काम कैसे होता है. मैंने बोला कि भाई प्रायोरिटी क्यों में ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो,
ठीक है, ऐसा बोल दिया मैंने, तो एरे लिस्ट के तो एड लास्ट कर देंगे हम, नाइन्थ इंडेक्स पे 3 ऐड हो जाएगा। ये ऐड करने के बाद मैं अब pp5 नाम के फंक्शन को कॉल कर दूंगा। अब pp5 क्या करेगा, वो चेक करता है, रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे उसको, एक चेक करेगा अपना पेरेंट इंडेक्स निकालेगा, वो चेक करेगा पेरेंट पे बड़ी वैल्यू रखिए, स्वैप कराओ 3 और 40 आपस में स्वैप, गलत टाइम पे, ठीक है ठीक है, कोशिश करते हैं मिल जाए। पिक्चर तो नहीं मिली, ठीक है कुछ मिल गया, 30 30 के बाद हमने यहाँ पे क्या ऐड किया था, 18 18 ऐड कर देते, राइट 18 वाज वैलिड, ठीक है भाई अब यहीं पे समझते हैं, ठीक है यहीं से कोड निकालना। ऐड करने को बोला गया 3 ऐड करना है, लास्ट में 3 ऐड कर देंगे, सेवंथ इंडेक्स पे 3 ऐड कर दिया और फिर हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे अब pp5। ये अब pp5 नाम का फंक्शन क्या करेगा, अपने पेरेंट इंडेक्स को निकालेगा और देखेगा पेरेंट पे बड़ी वैल्यू रखी है तो स्वैप करा दो 3 और 20 आपस में स्वैप, ठीक है यहां आएगा 20 यहां आएगा 3, रिकर्सिव फंक्शन है रुकेगा नहीं यहाँ पे, फिर ही अपने पेरेंट इंडेक्स को निकालेगा, पेरेंट इंडेक्स पे बड़ी वैल्यू रखी है स्वैप करो 3 ऐड करो ठीक है। तो अब सोच के देखो कि अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए थी तो मिनिमम वैल्यू हमेशा इस एरे लिस्ट के 0th इंडेक्स पर रखी हो, मिनिमम वैल्यू, ठीक है फाइन, मिनिमम वैल्यू हमेशा इस एरे लिस्ट के 0th इंडेक्स पर रखी होगी, तो पीक तो काफी आसान होने वाला है, पीक तो एक लाइन का फंक्शन होगा, पीक एक लाइन का फंक्शन होगा, साइज भी एक ही लाइन का फंक्शन होगा, जो एरे लिस्ट का साइज है वही प्रायोरिटी होगा साइज, ठीक है। एड में आपको थोड़ा सोचना है, एड का कोड मैंने ऑलमोस्ट फिगर आउट करवा दिया है, राइट क्या करोगे एड के कोड में, बंदा लास्ट में ऐड करते हो, अब pp5 नाम का फंक्शन कॉल कर देना। अब pp5 क्या करेगा, पेरेंट इंडेक्स को देखेगा, पेरेंट इंडेक्स पे बड़ी वैल्यू रखी है स्वैप, ठीक है ऐसा करता रहेगा ऐसा, जब तक या तो आप यहां पे नहीं पहुंच जाते 0 पे या फिर पेरेंट इंडेक्स पे छोटी वैल्यू नहीं मिल जाती, ठीक है। तो रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे, आसान होगा रिकर्सिव फंक्शन लिखना। अच्छा रिमूव अभी कराऊं या थोड़ा सा टाइम दे दूं उसके बाद रिमूव, चलो एक बार ऐड का कोड लिखो, मतलब मैं चाहता हूं कि आप लिख दो एक बार ऐड का कोड, रिमूव का 2 मिनट बाद सोचेंगे, पीक और साइज, ठीक है इन तीनों को निपटा दो और रिमूव के बारे में सोचो, रिमूव के बारे में कि जब मैं रिमूव करूंगा ना मिनिमम एलिमेंट रिमूव होना चाहिए, है ना, सोच के देखना जब मैं रिमूव करूंगा मिनिमम एलिमेंट रिमूव होगा, रिमूव करने पे 3 रिमूव होना चाहिए, थिंक अबाउट इट, जल्दी से 3 फंक्शन लिखो, रिमूव के बारे में सोचो।
ठीक है, लो लिखे हम फाइन, ठीक है लिखते हैं और रिमूव के ऊपर बात करते हैं। किसने करा गया फिगर आउट रिमूव? चलो सबसे पहले साइज, ठीक है साइज क्या होगा, जो एरेलिस का साइज है, एरेलिस हमने ले रखी है डेटा नाम का, ठीक है रिटर्न डेटा डॉट साइज, जो इस एरेलिस का साइज वही प्रायोरिटी का साइज। पीक, पीक पे कुछ प्रिंट भी करना है ना, हाँ अंडरफ्लो वगैरह ये प्रिंट करना है, तो अगर डेटा का साइज जीरो है तो उस टाइम पे प्रिंट कर दो अंडरफ्लो, और रिटर्न कर दो माइनस वन, अदरवाइज अदरवाइज पीक क्या होगा, रिटर्न डेटा डॉट गेट जीरो, जीरो इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू, सही बात है। अच्छा अब एड, एड में हमें क्या करना था, डेटा डॉट एड, डेटा डॉट एड और ये वैल्यू एरेलिस्ट में ऐड करवा दी, और फिर मैं बोलता हूं कि अब हिपीफाई नाम का एक फंक्शन कॉल कर दूं और इसमें पास कर दूं, आखिरी इंडेक्स पे ऐड करा ना तो आखिरी इंडेक्स पास कर दूं, डेटा डॉट साइज माइनस अब हिपीफाई, और इसको लिखते हैं पब्लिक वर्ड अब हिपीफाई, ठीक है पब्लिक वर्ड अपिफाई, और इसमें मैंने पास किया है चाइल्ड इंडेक्स, ठीक है चाइल्ड इंडेक्स पास करा है, तो आते ही सबसे पहला काम पेरेंट इंडेक्स निकाल लो, चाइल्ड इंडेक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, निकाल लिया पेरेंट इंडेक्स, ठीक है अब मैं बोलता हूं कि अगर डेटा डॉट गेट चाइल्ड इंडेक्स, अगर चाइल्ड इंडेक्स पे छोटी वैल्यू पड़ी होती है डेटा डॉट गेट पेरेंट इंडेक्स, ठीक है अगर ऐसा है डेटा डॉट गेट चाइल्ड इंडेक्स इज लेस देन डेटा डॉट गेट पेरेंट इंडेक्स, तो क्या करा दो स्वैप करा दो, ठीक है तो स्वैप में चाइल्ड इंडेक्स और पेरेंट इंडेक्स मैंने पास कर दिया, चाइल्ड इंडेक्स और डेटा इंडेक्स पर रखी वैल्यू को स्वैप करा दो, और रिकर्सिव कॉल लगा दो, किस पे रिकर्सिव कॉल किसके ऊपर लगाऊं, पेरेंट इंडेक्स, ठीक है पेरेंट इंडेक्स के ऊपर रिकर्सिव कॉल लगा दी, ऑल राइट तो अब ये स्वैप फंक्शन पे लिख देते हैं भाई, पब्लिक वर्ड स्वैप इंडेक्स पास करें हमने ये, ठीक है इंडेक्स पास करें, तो आइए इंडेक्स पर रखी वैल्यू निकाल लो, आइए इंडेक्स पर रखी वैल्यू डेटा डॉट गेट आई और jth इंडेक्स पर रखी वैल्यू निकाल लो डेटा डॉट गेट j, ठीक है ith इंडेक्स पर रखी वैल्यू निकाल ली और jth इंडेक्स पर रखी वैल्यू निकाल ली, अब स्वैप देखो मैं कैसे करता हूँ, डेटा डॉट फंक्शन क्या होता है पुट होता है क्या, इस पे ये रख दो सेट गेट और सेट, सेट फंक्शन सेट कर दो ith इंडेक्स पे jth वैल्यू और डेटा डॉट सेट j पे ith वैल्यू रख दो, हो गया स्वैप,
ठीक है, वो 3 लाइन वाला कोड लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये लिख लो, आईएथ इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू निकाल ली, जेथ इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू निकाल ली, उसके बाद आईएथ इंडेक्स पे डेटा डॉट सेट, आईएथ इंडेक्स पे जेथ वैल्यू रख दी और जे इंडेक्स पे आईएथ वैल्यू रख दी। ठीक है, आसान से चीज। अच्छा अब इसका बेस केस, बेस केस बताओ भाई, बेस केस की जरूरत है या बेस केस की जरूरत नहीं है? बेस केस की जरूरत पड़ेगी भाई, रिपीट होता हुआ देखो, कॉल यहां से लगती है, अगर अगर पेरेंट इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू बड़ी है ना तो कॉल लगेगी, अगर पेरेंट इंडेक्स पर छोटी वैल्यू है तो कॉल नहीं लगेगी। पर पोटेंशियली क्या हो सकता है, अगर लेट से मैं लास्ट में यहाँ पे वन ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैंने वन ऐड करा 8th इंडेक्स पे, तो स्वैप होगा, यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, फिर ये दोनों भी स्वैप होंगे, यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, फिर ये दोनों भी स्वैप होंगे, फिर कॉल लग जाएगी जीरो के ऊपर, तो जीरो के ऊपर हमें कोई काम नहीं करना होता। ठीक है, इवेंचुअली वो स्वैप होके जीरो तक पहुंचेगा, जीरो को कॉल लगेगी, जीरो के ऊपर हमें कुछ काम नहीं करना होता, जीरो का पेरेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे भी समझ सकते हैं, चाइल्ड इंडेक्स जीरो है और रिटर्न कुछ भी नहीं करता। ठीक है, अच्छा एडिशन में अब वीफाई यूज हुआ है तो रिमूवल में क्या यूज होगा? रिमूवल में ऐसे ही गेस करो, डाउन एम्प्लीफाई, ठीक है भाई बिल्कुल सही। नेक्स्ट वैल्यू मैं ले लेता हूँ, लेट्स से कि यहाँ पे 17 ऐड करने को बोला जाता, ठीक है एक दो वैल्यू और ऐड करवा देता हूँ बस, फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। 8th इंडेक्स पे लेट्स से 42 है और यहाँ पे 50 है, 9th इंडेक्स पे 42 और यहाँ 50, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, मैं रिमूव रिमूव की बात करता हूँ, ठीक है, अगर इसमें से रिमूव करूंगा ना तो ये वैल्यू रिमूव होनी चाहिए, ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखना था कि ऐड और रिमूव है ना, दोनों लोग इनमें चलेंगे, ऐड और रिमूव, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर आप कमेंट करोगे कि दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन कैसे मेंटेन। ठीक है भाई, ऐड की मैं बताता हूँ कैसे लॉग एन थी, ऐड की लॉग एन कैसे थी। लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, अगर वन ऐड कर दूं 11th इंडेक्स पे, लेट्स से मैंने वन ऐड कर दिया, तो ये जो मैंने वन ऐड करा है, पहले तो मैं एरे लिस्ट के लास्ट में ऐड करता हूँ, एरे लिस्ट के लास्ट में ओ ऑफ वन का ऑपरेशन कॉन्स्टेंट टाइम, उसके बाद ये स्वैप हो के कहां तक पहुंच सकता है, रूट तक, ठीक है स्वैप हो के रूट तक पहुंच सकता है, तो 30 और 1 ये आपस में स्वैप होंगे, 1 और 12 आपस में स्वैप होंगे, और फिर 1 और 3 ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बंदा ना, ये बंदा पूरी हाइट ट्रेवल कर सकता है, एटमैक्स, एटमैक्स पूरी हाइट ट्रेवल करेगा, और बाइनरी ट्री की हाइट कितनी होती है, इनफैक्ट ये तो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ऐसा भी नहीं है बीच में कोई नोड खाली हो, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो इसकी हाइट होगी लॉग एन, इसलिए एडिशन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन होती है। रिमूवल भी मेरे को लॉग एन में चाहिए था ना, प्रायोरिटी के में दोनों ऑपरेशन ऐड और रिमूव दोनों लॉग एन के होते हैं। अब देखना रिमूव कैसे करता हूं, भाई रिमूव करने के नाम पे ये 0th इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू रिमूव होनी चाहिए थी। ठीक है, स्टेप नंबर 1, इसको स्वैप करा दो आखिरी इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू से, ठीक है कराओ भाई स्वैप, आखिरी इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू से स्वैप करा दो, यहां आ जाएगा आपका 50 और यहां चला जाएगा आपका 3, ठीक है, क्योंकि अगर आगे से रिमूवल कर दिया
देखो गलती क्या हो जाती, अगर मैं सीधा जीरोथ इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को रिमूव कर देता, राइट, तो गलती क्या हो जाती, आगे से रिमूवल लगा दिया, बाकी सारे एलिमेंट शिफ्ट होंगे, रिमूवल ओ ऑफ एन का हो गया, ये मुझे चाहिए था लॉग एन का, ठीक है। अगर मैं जीरोथ इंडेक्स पर रखी वैल्यू को रिमूव करता तो इन सारे इंडेक्स से शिफ्टिंग होनी थी, जो कि ओ ऑफ एन का ऑपरेशन होता है, ओ ऑफ एन का रिमूवल, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया कि पहले इसको लास्ट से रिप्लेस करवा दिया, यहां जाएगा 50, यहां जाएगा 3। अब मैं क्या करूंगा, आखिरी इंडेक्स को रिमूव करा देंगे, ठीक है। लास्ट इंडेक्स से रिमूवल ओ ऑफ वन का होता है, क्योंकि इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होनी, ठीक है। तो इसको करवा दिया रिमूव, वैल्यू आ गई अपने पास 3, ठीक है। इसको रिमूव करा देंगे, वैल्यू 3 आ चुकी है। सबसे पहली चीज स्वैप जीरोथ एंड लास्ट इंडेक्स, इन दोनों पे रखी हुई वैल्यू को स्वैप कर दो, देन रिमूव लास्ट, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर दो, वही सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा, यही मिनिमम एलिमेंट होगा जो कि रिमूव होना चाहिए था। अच्छा, अब क्या हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी मेंटेन्ड है? जब आपने फर्स्ट और लास्ट को स्वैप किया तो नीचे से तो एक बड़ी वैल्यू उठ के आई होगी, है ना, नीचे से बड़ी वैल्यू उठ के आई होगी, तो मुझे क्या करना चाहिए भाई, यहाँ पे हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं है, ठीक है, लेफ्ट और राइट चाइल्ड छोटे हैं, तो क्या करो, कॉल डाउन हीपीफाई, कि भाई ये वैल्यू नीचे जाके कहीं पे जमनी चाहिए, तो इस वैल्यू के लिए डाउन हीपीफाई कॉल कर दो, है ना, 50 के लिए डाउन हीपीफाई कॉल कर दो। अब ये डाउन हीपीफाई, इसका कोड फिगर आउट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा, राइट, तो करते हैं भाई। देखो कैसे काम करेगा, पेरेंट और उसके दोनों चिल्ड्रन, अगर दोनों चिल्ड्रन एग्जिस्ट करते हैं तो वो दोनों कंपेयर होंगे, ठीक है, ये तीनों ही कंपेयर होंगे, इन तीनों का मिनिमम कौन, ठीक है, इन तीनों का मिनिमम, इन तीनों का मिनिमम 6, ठीक है, बेसिकली इसका लेफ्ट चाइल्ड, तो लेफ्ट चाइल्ड से इसको स्वैप करवा दो, 6 यहां, 50 यहां, ठीक है, 6 यहां आ जाएगा, 50 यहां आ जाएगा, और ये काम रिकर्सिवली चलता रहेगा। कौन सा काम, पेरेंट दोनों चिल्ड्रन से कंपेयर करेगा, अगर वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो, ठीक है, कंपेयर करेगा कि इन तीनों का मिनिमम कौन, इन तीनों का मिनिमम 15, इसका लेफ्ट चाइल्ड, तो लेफ्ट चाइल्ड से वैल्यू स्वैप करेगा, 15 यहां, 50 यहां, ठीक है। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेगा, इधर से फंक्शन आगे चलता रहेगा। अब ये चेक करेगा पेरेंट और उसके दोनों चाइल्ड भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इन तीनों का मिनिमम कौन, इन तीनों का मिनिमम 17, इसका राइट चाइल्ड, तो राइट चाइल्ड के साथ स्वैप, 17 ऊपर आ जाएगा, 50 नीचे, ठीक है। अब 50 देखिएगा, लेफ्ट और राइट चाइल्ड तो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, और मान लो कि ये ट्री पूरा भरा हुआ होता, यहां भी कुछ प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और लेट से 60 और 70 इसके चाइल्ड है, एक बार के लिए ऐसा केस मान लो, ठीक है, तो क्या देखता अपने तीनों चिल्ड्रन, इनको कंपेयर कराता, ठीक है, दोनों चिल्ड्रन और खुद, तो इन तीनों का मिनिमम, इन तीनों का मिनिमम ये खुद ही है, तो बस यहां पे काम खत्म हो गया, राइट। अगर इन तीनों का मिनिमम खुद ही आ जाता है या फिर उसके चिल्ड्रन एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, तो
तीनों कंपैरिजन कराएगा, तीनों में से दो तो एग्जिस्ट नहीं करते, तो खुद का मतलब यही मिनिमम होगा, तीनों का मिनिमम यही होगा। अगर तीनों का मिनिमम यही है तो हमारा काम खत्म हो चुका है, ये अपने ठीक पोजिशन के ऊपर पहुंच चुका है और ही बॉर्डर प्रॉपर्टी दोबारा से वैलिड। फाइन, समझ आ गया? रिमूव करो, ठीक है, उस एलिमेंट को रिमूव कर दो। उस एलिमेंट को रिमूव कैसे करोगे? स्टेप नंबर वन, जीरोथ इंडेक्स पे और लास्ट इंडेक्स पे रखी वैल्यू को स्वैप। स्टेप नंबर टू, आखिरी को रिमूव। स्टेप नंबर थ्री, डाउन एपीफाई कॉल। डाउन एपीफाई कैसे काम करेगा? वो लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स निकालेगा, राइट चाइल्ड इंडेक्स निकालेगा, देखेगा कि भाई पेरेंट इंडेक्स, लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स, राइट चाइल्ड इंडेक्स में से कौन सा मिनिमम। ठीक है, अगर लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स और राइट चाइल्ड इंडेक्स मिनिमम आ जाता है, जो भी मिनिमम आया उसके साथ स्वैप, आगे फर्दर रिकर्सिव को। ठीक है, तो एक बार डाउन हिपीफाई का कोड आपको सोचना है, मैं रिमूव का थोड़ा सा कोड लिख देता हूं। रिमूव में पहली चीज तो मैंने ये लिख दी, ठीक है, इसके बाद स्वैप कराओगे जीरो और डेटा डॉट साइज माइनस वन पे रखी हुई वैल्यू, ठीक है, फिर डेटा डॉट रिमूव आखिरी इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू को रिमूव करा दो। फिर हम कॉल करते हैं डाउन ईपीफाई जीरो, इंडेक्स जीरो के ऊपर कॉल करेंगे डाउन ईपीफाई, इसका कोड लिखना है। अब पेरेंट इंडेक्स पास होता है, ठीक है, दो तीन मिनट लो, फटाफट लिखो, फिर साथ में वेरीफाई करना जल्दी से।
यार लिखें इसको डाउन एपीफाई, चार पांच ठीक है, देख लो देख लो, डाउन एपीफाई। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पेरेंट इंडेक्स है ना, तो लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स और राइट चाइल्ड इंडेक्स निकाल दो। सबसे पहला काम लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स 2 इंटू पेरेंट इंडेक्स, 2 इंटू पेरेंट इंडेक्स प्लस 1। ऐसे ही राइट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा, 2 इंटू पेरेंट इंडेक्स प्लस 2। ठीक है, और उसका क्या किया, मेन इंडेक्स, मेन इंडेक्स मान लिया कि पेरेंट इंडेक्स ही मिनिमम इंडेक्स। ठीक है, अब मैं कंपेयर करता हूं कि अगर डेटा डॉट गेट लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू छोटी हुई डेटा डॉट गेट मेन इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू से, तो मेन इंडेक्स को अपडेट कर दो और लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स से इक्वल बना दो। ऐसा ही दूसरा कंपैरिजन, डेटा डॉट गेट राइट चाइल्ड इंडेक्स इफ इट इज लेस देन डेटा डॉट गेट मेन इंडेक्स, तो मेन इंडेक्स को राइट चाइल्ड इंडेक्स के इक्वल बनाओ। पर इनसे पहले एक छोटा सा चेक लगा लेना, एलसीआई एग्जिस्ट करना चाहिए, एलसीआई शुड बी लेस देन डेटा डॉट साइज। भाई उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करेगा तभी तो देखोगे, सेम यहां पे राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करेगा तभी तो उसको देख पाओगे। ठीक है, तो फाइनली मेन इंडेक्स मेरे पास आ गया होगा। अब अगर मैं देखता हूं कि अगर मेन इंडेक्स पेरेंट इंडेक्स के बराबर नहीं है, मतलब मेन इंडेक्स या तो लेफ्ट चाइल्ड के बराबर होगा, लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स क्या है, राइट चाइल्ड इंडेक्स के बराबर होगा, तो भाई स्वैप करा दो पेरेंट इंडेक्स और मेन इंडेक्स को और फिर रिकर्सिव कॉल लगा दो। ठीक है, दोनों को स्वैप कराने के बाद डाउन एपीफाई की रिकर्सिव कॉल किसके ऊपर लगेगी, बताओ क्या पास करूं यहां पर। मेन इंडेक्स करेक्ट। ठीक है, देखो तीनों कंपेयर हो गए। पहले मैंने मान लिया कि मेन इंडेक्स पेरेंट इंडेक्स ही मिनिमम इंडेक्स, ठीक है, पेरेंट इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू ही मिनिमम, मेन इंडेक्स इसको मान लिया। अब यहां पे मैंने कंपेयर करा दिया लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स से, ठीक है, किन दोनों की फाइट होगी, लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू और पेरेंट इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू, है ना, इन दोनों की फाइट हो चुकी है। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो मिनिमम मेरे पास आ गया, इन दोनों का चैंपियन आ गया, इन दोनों के चैंपियन की फाइट राइट चाइल्ड इंडेक्स पर रखी हुई वैल्यू से करवा दी, आ गया ना तीनों का चैंपियन, तीनों का मिनिमम। ठीक है, यही करा बस, लाओ जी कोड हो गया कंप्लीट, चला के देखें। लाइन नंबर 45 पे अच्छा रिमूव डाउन एपीफाई तो किया, आंसर की तो रिटर्न करा दो। बिंदास बहुत ही बढ़िया, द स्विच प्रॉब्लम 3। ठीक है, कोड फाइन है ना, चलो सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक अप एपीफाई और दूसरा डाउन एपीफाई, दूसरा डाउन।
ठीक है करो यहाँ तक कंप्लीट और छुट्टी करते जाओ। ठीक है नेक्स्ट क्लास में वो जेनरिक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे। जेनरिक मतलब अभी तो इंटीजर को कंपेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट फिर स्ट्रिंग पेयर कुछ भी एनीथिंग। ठीक है जिसको भी डाउट हो मैं ब्रेकआउट रूम ओपन कर रहा हूँ। जिसका हो गया है वो लीव कर सकते हो।